Yes, ठीक है ओके तो ओके चलो तो आई होप आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में आ, हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में थे जैसे कि ऑफर में बात कर रहे थे याद है सबको ऑफर में बात हो रहा था याद है सर आप लोगों को ऑफर यस सर यस सर ठीक है तो जैसे कि वहाँ पर ऑफर रिगार्डिंग काफ़ी सारा के स्टडीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस किया मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को दो मिनट कि क्या किए थे लास्ट क्लास में और फिर जाके हम लोग आज वाला जो क्लास है उसमें हम लोग आज एक्सेप्टेंस सीखेंगे ऐसे अगर किसी ने भी प्रीवियस क्लास मिस किया है और उनको नहीं मिला बाई चांस क्योंकि मेरा थोड़ा शेड्यूलिंग अभी तक प्रॉपर नहीं बना जो कि बन जाएगा सर बहुत ही जल्दी आ, अगर बाई चांस उनको क्लासेस किसी कारण से मैंने देना भूल गया जो भी प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इंट्रोडक्टरी क्लासेस है प्लीज़ मुझे सर एक बार पिन कर देना तो मैं कुछ ही दिनों के अंदर अगर किसी को नहीं मिला तो तो मैं अरेंज करूँगा सर हाँ तो मुझे याद रहेगा ओके सर नो इशू तो मैं आज वाला टॉपिक में आपको जो भी बातें हैं आपको लेके चलता हूँ ठीक है स्क्रीन शो है ना यस सर ठीक है अगर आप देखें यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने इनविटेशन टू ऑफर याद होगा मे बी हेलो हेलो यस मैं किसने yes. ज्वाइन किया उसका आवाज मैं सुनना चाह रहा था उसका नाम क्या है एक सेकंड हेलो मेरा आवाज आ रहा है अमर अब... जियाओ अभी गुड इवनिंग नहीं, नहीं हाँ गुड इवनिंग अभी किसने ज्वाइन किया उनका नाम एक बार बताना एक को नीचे ज्वाइन करे एक बार नाम बोल एक बार सागर कुछ नाम है क्या ठीक है चलो तो ऑफ़र में बात हुआ था इन्विटेशन टू ऑफर में बात हुआ था काफ़ी सारा केस स्टडीज़ में भी डिस्कशंस हुआ था याद है आप लोगों को तो मैं थोड़ा सा ऑफर क्या है एक बार रिकॉल करा देता तो हूँ आप लोगों को आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है ऑफ़र में हम लोगों ने यह बात किया था सर सेक्शन टू सबसेक्शन ए है ना ऑफ़र क्या है सर सेक्शन टू सबसेक्शन ए बोलता है ऑफ़र के बारे में आ, सेक्शन टू सबसेक्शन एफ ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट मतलब क्या होता है ना ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो खेल है है ना मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का खेल मतलब एक्चुअली बिजनेस का खेल है थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिकॉल करा रहा हूँ एक बार सुनिएगा पूरा जो पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओके ऐसे सिर्फ इंडिया वाला बात नहीं है कॉन्ट्रैक्ट दुनिया के हर एक देश में होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडिया वाला कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको पहले भी बताया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस सही की गलत सर एक बार बताइएगा मुझे और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या मैंने गलत बताया से का से बता का मतलब बता

एक ऑपोजिट साइड में कंपनी हो सकता है ऑपोजिट साइड में आप हो सकते हो ठीक है ये हो सकता है कि एक साइड में मैं हूं एक साइड में आप हो एक हो सकता है एक साइड में आप हो दूसरा साइड में आपका दोस्त हो एक ये हो सकता है कि एक साइड में एक बड़ा सा कंपनी हो दूसरा साइड में आप सब लोग हो तो पार्टी मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ही होना चाहिए पार्टी मतलब दो ऑपोजिट पर्सन होना चाहिए पर्सन को ना इनकम टैक्स में सात तरह के पर्सन बोले गए हैं सर ठीक है सबको भी इनकम टैक्स नहीं पढ़ाना है मुझे बट यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक कंपनी हो सकता है बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप फार्म हो सकते हैं इवन टेम्पल ट्रस्ट भी हो सकते हैं ठीक है थीके? जिसको हम लोग आर्टिफिशियल जुडिडिशियल पर्सन भी बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा दो इंसान ही होंगे या फिर ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट के लिए जरूरी है तो एक बंदा ऑफर करेगा दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा तो अगर मैं आपको ऑफर रिकॉल करा रहा हूं तो ऑफर क्या कहते हैं सर सेक्शन टू बी बाउंड बाई अदर पार्टी चूज टू एक्सेप्ट इट तो अगर ऑपोजिट साइड से ऑफर आ रहा है तो अगला मतलब तो जिसके लिए ऑफर हो रहा है ना सर उसको एक्सेप्ट के लिए ही वो आ रहा है जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट करे ठीक है बट उसके एक्सेप्टेंस चूजिंग के लिए ही आ रहा है तो यही कहता है सर सेक्शन है तो मैं बार-बार के बारे में बात इसलिए करता हूँ सर क्या सेक्शन याद रखना जरूरी है यस सर एक लॉयर के तौर पे जब भी आप एक बिजनेस लॉयर के तौर पे काम करोगे ना तो यू हैव टू रिमेम्बर ठीक है एक बिजनेस लॉयर को ये सब याद रखने का जरूरी है और इसीलिए एक आप भी अपने आप को एक बिजनेस लॉयर जैसे कि एक एक कंपनी सेक्रेटरीज बनेगा, चार्टर्ड अकाउंट भी बिजनेस का लॉ को हैंडल करते हैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी अपने आप को बिजनेस का लीगल सिस्टम के साथ काफी ज्यादा अडोप्ट करते हैं इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रोफेशनल हो स्पेशली इन कॉमर्स फील्ड यू है तो पॉइंट क्या है सर सेक्शन टू मतलब आपका कोई भी बात में कोई भी मैटर पे आपका जो इच्छा जताने का सिस्टम है दैट इज ऑफर और जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा सर ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाएगा सर प्लीज टेल मी बाय लॉ वेरी गुड जब एनफोर्सिबल बाय लॉ थैंक यू सर टू ऑल ऑफ यू एनफोर्सिबल बाय लॉ ठीक है अब एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना सर ये कहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है ठीक है और इंडिया का लॉ क्या है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है इंडिया का लॉ है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा है अगर आप एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऑफर वैलिड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक्सेप्टेंस वैलिड है तो एग्रीमेंट बना और फिर उस एग्रीमेंट को जब भी कोई लीगल पेपर में कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह उसको फिर गवर्नमेंट के घर में ना कुछ जमा भी करना होता है मतलब से फॉर एग्जांपल मिनिमम अमाउंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट सर फ्री में नहीं होता सीरियसली एटलीस्ट वन रुपी भी देना पड़ता है एटलीस्ट वन रुप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मिनिमम एग्रीमेंट का मतलब मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज कम से कम फ्री ले कुछ नहीं होता सर बिजनेस में फ्री कुछ नहीं होता ये आप जो जान लो फ्री में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट वन रुपी का पेपर भी होना पड़ेगा वो सरकार कहते हैं सर मिनिमम वैल्यू वन रुपी चाहे वो करोड़ों का प्रॉपर्टी का डील हो रहा है लेकिन कोई सरकार किसी बिजनेसमैन को बोल रहे कि आप यहाँ पर फैक्ट्री बनाओ यहाँ पर जॉब क्रिएट करना चाहता है ठीक है एक, एक कहानी बता देता हूँ आपको आप लोग शायद सबको नहीं पता या फिर मे भी कभी मेरे से ही मे भी कहानी सुने हो या फिर किसी बड़े से सुने हो मैं भी क्लास में बोलते बोलते काफी सारा बातें बोल जाता हूँ कभी कभी मैं खुद भी भूल जाता हूँ क्या बोला था आप लोगों को मैं सिंगूर वाला कहानी बोला था सर वो सिंगूर में जो टाटा सिंगूर वेरी गुड सर जहाँ पर जहां पर एक्चुअली टाटा फैक्ट्री बनाने वाला था याद है सर जहाँ पर टाटा फैक्ट्री बनाने वाला था ना क्या फैक्ट्री बनाने था नैनो का फैक्ट्री है ना सिंगूर में टाटा का नैनो का फैक्ट्री बनने वाला था अब नैनो कार नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि नैनो का ही फैक्ट्री बनने वाला था टाटा का टाटा मोटर्स का फैक्ट्री बनने वाला था जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर नैनो ऑलरेडी बनना चालू हो गया था ओके एवं सिंगूर टाटा नैनो फैक्ट्री ओके okay? उसके बाद नैनो का तो जो सिस्टम मतलब तो देखो हर कार का एक अपना टाइम आता है वो टाइम निकल जाता है बाद में ये नैनो कार इंडिया में उतना नहीं चला बट बहुत सारे कंट्रीज में लाइक श्रीलंका में नेपाल में बांग्लादेश में नैनो बहुत चला सर एक्सपोर्ट करके टाटा मोटर्स काफी फायदा किया है लेकिन आफ्टर दैट ये तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नैनो ही बने कुछ और भी बन सकता था ये साइट ये कभी भी अगर आप कोलकाता से सिंगूर ज़्यादा दूर नहीं है फ्रॉम फॉर दिजनेस क्यूरियोसिटी ओके फॉर दिजनेस लॉ क्यूरियोसिटी की सर जो बोल रहे हैं अगर आप देखना चाहते हो वैसे ये बहुत दूर नहीं है कलकाता से सिंगूर बहुत ही पास है थर्टी सेवन किलोमीटर मोस्ट प्रोबली मेरा पापा का नेटिव है मतलब मेरा मतलब जो एक तरह से आप बोल सकते हो मेरा भी नेटिव है बिकॉज मैं वहां पर पैदा नहीं हुआ that's why मैं उसको नेटिव नहीं मानता कोलकाता टू सिंगूर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है थर्टी सेवन देखो थर्टी सेवन पॉइंट नाइन थर्टी एट किलोमीटर्स हार्डली ओके तो आप अगर आ, कभी भी विजिट करना चाहो तो सिंगूर में दिल्ली रोड के बगल में है तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ है ठीक है आंखों देखी हो जाएगा ना सर कोई भी चीज में अगर कभी भी मौका मिला आज, आजकल आप लोग लॉन्ग ड्राइव में भी किसी बहुत सारे बहाने में निकलते हो तो फॉर अंडरस्टैंडिंग चलो यार देख लेते हैं सर काफ़ी बार क्लास में बात करते थे तो सर अचानक से आप सिंगूर वाला का क्यों बात क्यों लेके आए सर इसलिए लेके आया क्योंकि ये जो सिंगूर वाला जमीन का जो डील हुआ था ना सर किसके साथ किसका डील हुआ था कौन बोलेगा ये डीलिंग्स ये जो एग्रीमेंट बना था यहाँ पर फैक्ट्री बनाओ ये डीलिंग्स एक्चुअली फैक्ट्री बनाने का किसके साथ किसका हुआ था कोई बता सकते हैं सर, है सर? गवर्नमेंट के साथ टाटा का मोटर्स हाँ सर वेरी गुड सर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ टाटा का डील था ये ओके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ टाटा का डील ऑन दैट टाइम 2010 का बात है ये इस टाइम पे सीपीआईएम का सरकार था बंगाल में ठीक है उनका जाने के टाइम का बात है तो उस टाइम पे सीपीआईएम ने लास्ट टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा रिन्यू करने के लिए रिफारविश करने के लिए वो अंत में थोड़ा कोशिश किया था थोड़ा सा जस्ट मतलब ऐसे थर्टी फोर ईयर्स में तो कभी नहीं कोशिश किया जैसे अभी चल रह रहा है ना सर दुआारे सरकार अब अच्छा बुरा बात नहीं कर रहा हूँ सर मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टी का एंड मूवमेंट में करता रहता है ना दुबारे सरकार में क्या होगा पता नहीं बट नैनो में कुछ तो जरूर होता इसमें तो कोई बात नहीं सर लेकिन अल्टीमेटली ममता दीदी ने इस पे किसानों के लिए लड़ा बाद में किसान कितना वहाँ पर बेनिफिट हुआ वो तो किसान ही जाने बट लड़ाई तो वही हुआ था कि किसानों का जमीन तीन बार फसल उगता है बिथ वेरी वेरी फर्टाइल लैंड लेकिन सरकार के साथ ये वेरी फर्टाइल लैंड का जो एग्रीमेंट बना था बिकॉज सी गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा Uh, इसलिए दिया था क्योंकि वेस्ट बंगाल पे ऐसे इंडिया का हर स्टेट में एक प्रॉब्लम तो है आप लोग जानते हो दैट इज जॉब क्रिएट का प्रॉब्लम है ना सर तो हर बार एक ही मुद्दा रहता है मतलब तो इलेक्शंस का भी कि जॉब क्रिएट कर दो भाई जॉब क्रिएट कर दो तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर वो टाटा को बोलते कि ये जमीन आप खरीदो तो काफी महंगा होता तो टाटा ने जमीन खरीद के तो नहीं बनाना है उसको तो गवर्नमेंट ने उसको बोला कि आप यहाँ पर जमीन बनाओ जमीन लो वन रुपी में एटलीस्ट फ्री में ही एक्चुअली जमीन लो जमीन मैं देता हूँ आपको और उसके लिए मिनिमम वन रुपये का कॉन्ट्रैक्ट बना था और उसके बाद टाटा ने उस फैक्ट्री में जो भी करेगा लोकल लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इंडायरेक्टली लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि टाटा जहां भी जाते हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट वो करके ही रखता है अब इसमें अच्छा बुरा क्या होता है इसमें काफी देर तक कंट्रोवर्सी हो सकता है वो कंट्रोवर्सी होकर ही तो बंगाल का सत्ता बदल गया था उस टाइम पे दैट्स अ डिफरेंट इशू बट पॉइंट है सर वन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का बात है तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए तो तो हुआ था उस and enforceable by law हुआ था था उस टाइम पे एंड लॉ तभी तो वहां पर थप्पा गिर गया था सर कि ये सरकार ने टाटा को दिया है बट बाद में सर वही केस वगैरह होके और भी मैटर में प्रॉब्लम कोई बात नहीं कहानी आपको फिर से मैंने रिकॉल करा दिया तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट एंड ना हम लोग आज बात करेंगे सर एग्रीमेंट पे

तो एक्चुअली वो बाई वन गेट वन आपको ये नहीं बोल रहे कि एक लेके जाओ दूसरे एक खरीदोगे तो दो मिल जाएगा नहीं आप ही जाके पूछते हो मतलब ये वाला देखो। is, is offer, मतलब आप जब बाई वन गेट वन देखते हो सच में बताना जब भी आप कहीं पर भी बाई वन गेट वन देखते हो तो आप खुद दुकानदार को नहीं पूछते कि क्या भैया इसमें सच में बाई वन गेट वन है हेलो क्या मैं सही बोल रहा हूँ यस 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 एग्जैक्टली ये जो भी बाई वन गेट वन का जो भी केस चलता रहता तो है ना एक्चुअली इन्विटेशन टू ऑफर है ठीक है एक्चुअली वो ऐसे कुछ मतलब तो एडवर्टाइजमेंट करता है जिसको देख के अगला बंदा आके उसको ऑफर करेगा कि हाँ हाँ इसमें बाई वन गेट वन है ठीक है तो वो एक्सेप्ट करेगा और फिर आप उसका सेल बढ़ेगा ठीक है तो ऑफर अलग है और इन्विटेशन टू तो ऑफर अलग है अगर वो एंड मोमेंट में बोले कि नहीं नहीं बाय वन गेट वन नहीं है तो उसका मर्जी बात समझ रहे हो कि मानो कि उसका जो टाइम था उसने सोचा था कि सुबह दस से लेके शाम को पाँच बजे तक बाई वन गेट वन का ऑफर चलेगा ठीक है सपोज मानो आप बिग बाजार में विजिट किए और बिग बाज़ार वाले ने सुबह दस बजे से लेके शाम को पाँच बजे तक बाई वन गेट वन का ऑफर रखा था बट आप पहुंचे पाँच बजकर एक मिनट पर और उसका बाई वन गेट वन खत्म हो गया लेकिन टैग नहीं हटाया था उन लोगों ने ठीक है तो बाई वन गेट गेट वन का जो इन्विटेशन टू ऑफर का टैग है ना सर जो एडवर्टाइजमेंट जो प्लेकार्ड जो होते हैं सर

इसलिए आपका कुछ भी ना मतलब कहना मतलब यहाँ पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालने वाला है ठीक है वो अगर पाँच बजकर एक मिनट में अपना ऑफर को क्लोज करना चाहेगा उसकी मर्जी सर उसमें आप क्या कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट था ठीक है देना नहीं देना उसके ऊपर अब वो अलग बात की आप अगले दिन से बिग बजार जाना छोड़ दोगे या समथिंग लाइक दैट दैट्स अ डिफरेंट इशू बट आई होप यू अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा मैं लास्ट क्लास को रिकॉल कराया आज क्या बात करना है सर एक्सेप्टेंस पे ऑफर तो बहुत समझ गए सर ऑफर भी समझ लिए ऑफर के साथ इनविटेशन टू ऑफर का भी डिफरेंस लास्ट क्लास में समझ लिए थे लेकिन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफर जब कोई बंदा करता है तो आपको एक्सेप्ट भी करना होगा ना है ना वो बोलते हैं ना सर जो वादा किया है निभाना पड़ेगा तो एक्सेप्टेंस इज काइंड ऑफ दैट ओके तो इसमें भी बड़ा मजेदार कहानी है अगर आप कहानी पे थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन टू सेक्शन बी ऑफ द द एक्ट टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज

दिया कि अपना कार वो दो लाख में बेचेगा अब इस पे इसको हम लोग अलग अलग नजरिए से देख रहे थे जब तक बी ने पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस किया तो वी कैन से दैट एक्सेप्टेड प्रोपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एक्सेप्टेड प्रोपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस ओके अब इस पर बहुत सारे बातें हो सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है ठीक है देखना एक बार थॉट प्रोसेस को इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई होप कि आप लोगों ने कभी इसको इंग्लिश में पढ़े होंगे मे बी मे भी पढ़े होंगे अगर पढ़े हो तो लिटरेचर वगैरह में आ, या फिर आ, राइटिंग स्किल्स वगैरह में ना काफी बार ऐसे आता था स्कूल लेवल्स में तो इस तरह का कुछ रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अब इसमें अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनशन ओके अकॉर्डिंग टू सर विलियम एनशन वो क्या कह रहा है सर बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर वाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर वाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर मतलब समझ रहे हो ना सर ट्रेन ऑफ गन पाउडर में एक्सेप्टेंस का मतलब वो अगर एक्सेप्ट हो गया मतलब व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ ए गन पाउडर दैट मीन्स अगर वो गन पाउडर में अगर थोड़ा सा अगर लाइटेड मैच आ जाए तो वो क्या कर देगा सर आग लगा देगा ये सर नो अगर गन पाउडर में लाइटेड मैच आ जाए तो आग लगाएगा कि नहीं लगाएगा क्या लगता है सर लगा देगा। लगा देगा ना सर ना हल्का और सच में एक्सेप्टेंस सच में ऐसा ही बड़ा चीज है ये सच में आग लगा सकता है मतलब सर ये क्यों ध्यान से सुनना सर बहुत ही इंटेलेक्चुअल पॉइंट है बोल रहा हूं, बार बार प्लीज कंसेंट्रेट रखना कंसेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट एक्सेप्ट अंड अगर आपके मुंह से हां या ना निकल जाए आप इसको अंडन नहीं कर सकते मतलब समझ रहे हो सर कि नहीं नहीं पहले आप हां बोल दिए फिर आप बोलते हो ना से फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि एक थोड़ा सा बचपन वाला बात करें मतलब मेरा बचपन वाला नहीं सर मैं ऐसे हमारे भी बचपन बिता है लेकिन वो स्पेशली एकदम बचपन नहीं इट्स काइंड ऑफ स्कूल का जो इलेवेन्थ ट्वेल्व लेवल से स्पेशली ज़्यादा चालू होता है उससे पहले भी होता है मतलब क्या बताएं सपोज मानो आपकी मन में किसी के बारे में कुछ फीलिंग्स है ठीक है तो और आप जिसके बारे में फील कर रहे हो ना मतलब बॉयज एंड गर्ल्स थोड़ा थोड़ा बाईस वर्षा समझ लेना ओके तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो भी आपके बारे में सोच रहा है और आप सोच रहे हो कि वो प्रपोज करेगा और वो सोच रहे आ, वो, आप प्रपोज करोगे कहानी समझ में आया सर मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं आप मन में सोच रहे हो कि वो प्रपोज करेंगे पहले आपको थोड़ा डर लग रहा है या फिर थोड़ा शर्म आ रहा है और वो भी सोच रहा है सेम टू सेम ठीक है तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस उसने प्रपोज कर दिया आपको ठीक है उसने तो प्रपोज कर दिया पर आपने ना बोल दिया मतलब थोड़ा जोर से ही ना बोल दिया ना डर से डर के मारे ना बोलती लड़का लोगों को ज्यादा होता है डर जाता है सीरियसली मैं एक्चुअली सर वो फंकी वाला रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ सीरियस वाला बात कर रहा हूँ ठीक है सीरियस वाला केस में बात कर रहा हूँ अगर सीरियस फीलिंग्स है ना अगर मन से बहुत जोर का ना निकल जाए तो ऑपोजिट वाले को बहुत जोर पहुंचते हैं और खुद को भी बहुत जोर चोट पहुंच सकता है तो आग लगा के लगा कि नहीं लगा सर प्लीज बताइएगा ये वो वाला आग नहीं है बट फिर भी मैं आपको कहानी के थ्रू से बता रहा हूँ बट इंस्टीट्यूट भी इस तरह का कहानी यूज करते हैं, और आप लोग बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो प्रोफेशनल पे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, विश्वजीत yes, yes, को लगा हाँ आग लगा क्या विश्वजीत को ऐसा आग कभी लगा है विश्वजीत नो सर सर अच्छा तो फिर तुझे कैसे पता कि इसमें आग लग सकता है अच्छा दोस्तों को लगा है इसलिए तेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है बाकी सबका क्या अपने अपने साथ किसी को हुआ है फिर सब सबको भी बोलेगा नहीं सर दोस्तों का देखा है छोड़ो सर कोई बात नहीं अंडरस्टैंड हो गया ना सबको मतलब क्यों इसको एक्सेप्टेंस को इसलिए बोल रहे सर समझ में आ रहा है ना सर अब देखो सर हाँ बोल के भी बहुत लोग पछताया और ना बोल के भी बहुत लोग पछताया है बात कुछ समझ में आ रहा है सर <laughs> हाँ बोल के भी बहुत लोग पछताया है और ना भूल के भी बहुत लोग पछताया एक, एक ना वो बोलते हैं लड्डू या दिल्ली का या मुंबई का क्या बोलते सर कौन सा लड्डू बोलते हैं? दिल्ली, दिल्ली का या मुंबई का दिल्ली का दिल्ली, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया kind of okay, दिल्ली हो या मुंबई तो इसीलिए बोलते हैं सर एक्सेप्टेंस इज वट इज टू ऑफर इज लाइटेड मैच इज टू ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर नाउ द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज दैट ट्रिगर्स कैन नॉट बी बट इज अ चॉइस इन टू टू हु हैड ट्रेन रिमूव इट हाँ आपके पास चॉइस है आप चाहो तो ये रिमूव कर सकते हो बिफोर द मैच इज अप्लाइड मैच जलाने से पहले आप सोच सकते हो ना कि नहीं मैं मैच नहीं जलाऊंगा तो अगर आपने मैच को नहीं जलाया तो फिर आग लगने का चांसेस भी कम है ये ऑप्शन आपके पास जरूर है बट ये मैच जलाने से पहले है प्रॉमिस एक बार एक्सेप्ट हो जाए ना सर तो प्रॉमिस में बदल जाएगा एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट एक बार एक्सेप्ट हो जाए वो कुछ इस तरह का शादी का मंडप पे बैठ के अगर लड़का या लड़की बोले कि हमें शादी मंजूर नहीं तो क्या बवाल मचता है कुछ समझ में आ रहा है सर अगर हाँ या ना बोलना है वो मूवीज वगैरह में नहीं दिखाते सर शादी के मंडप पे भाग जाता है बंदा हाँ कि उसका पुराना प्यार के पास भाग जाता है जरूर आप लोगों ने शादी वगैरह में देखे हो बट इट्स अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ स्टोरी बट हमेशा से ये स्टोरी ना बड़ा मजेदार कहानी होते हैं मतलब ये स्टोरी अमिताभ बच्चन के जमाने में भी चलता था दिलीप कुमार साहब के भी जमाने में भी चलता था और आजकल शाहरुख खान लोगों के जमाने में भी चलता था और आजकल किसका जमाना चल रहा है वो वरुण धवन इन लोगों के जमाने में भी चल रहा है वो शादी के मंडप से भगा के लेके जाता है तो वही हम लोग बैठे बैठे देखते हैं कोई रोता है किसी को हंसी आता है पता नहीं सर बट होता है सबको मतलब ये सभी कोई इसको ना बड़ा फीलिंग से लेता है स्पेशली फ्रॉम द एज ऑफ सिक्सटीन सेवनटीन से लेके

क्या आप मुझे पसंद करते हो समथिंग लाइक दैट तो जब तक अगला आप वो हाँ नहीं भरता है ना तो बात बनेगा नहीं तो एक्जैक्टली वही बोल रहे सर एक्सेप्टेंस में इतना दम है ऑफर में तो दम होता ही है बट ऑफर से भी कहीं ना कहीं ऑफर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक एक्सेप्टेंस ना होता है ना सर तो एक्सेप्टेंस बाई दिच क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप तो एक्सेप्टेंस का बहुत पावर है ओके वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी और एक बार एक्सेप्ट हो जाए सर इसको विद्रॉन भी करना मुश्किल है एंड रिवोक करना भी रिवोक मतलब मतलब जो हुआ था उसको वापस कर देना ओके okay? एक बार हाँ बोल दिया मतलब बोल दिया बोलने से पहले हजार बार सोचो बट बोलने के बाद मुकरना नहीं आप समझ रहे हो ना जैसे हम लोग अगर थोड़ा सा सीरियस टाइप में बात करें मैं कफी टाइप से थोड़ा मजा क्या बात कर रहा हूँ आई डोंट नो कितनों कितन अच्छा लगा कितनों को बुरा लगा बट ओनली फॉर दी अंडरस्टैंडिंग आ, जैसे आप लोगों में से हर कोई कुछ ना कुछ प्रोफेशनल कोर्स के साथ हो कोई चार्टर्ड के साथ हो कोई स्टॉक मार्केट में जा रहे हो कोई सी एम ए के साथ आ रहे हो कोई सी ए के साथ आ रहे हो आज ही एक जन से बात हो रहा था आप लोग मेरा बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे या फिर कनेक्टेड हो सर प्लीज बताना हाँ, सर। हाँ, हाँ। ओके सर। तो आज दो आप लोगों का क्लास लेने से पहले एक स्टूडेंट फोन किया था ऐसे ही मतलब फर्स्ट टाइम फोन किया था तो लड़का भी फैशन डिजाइनर है ओके okay. तो उसका फैमिली उसको वो कॉमर्स पढ़ना चाहता था बट उसके फैमिली उसको उस टाइम पे उसको साइंस में जबरदस्ती डाल दिया था मतलब इलेवेन्थ ट्वेल्व में फिर उसका कॉमर्स पढ़ना हुआ नहीं साइंस में डाल दिया फिर बीटेक भी किया बंदा ने बीटेक भी कंप्लीट हो गया कैसे भी करके ठीक है वो बोल ही रहा था कि सर कैसे भी करके हो गया मतलब आप समझ लो हम समझ गए इतना तो मेरा दिमाग है कि मैं किस तरह से कैसे भी करके का मतलब क्या होता है फिर बंदा का एक अपना हॉबी था इस फैशन डिजाइनिंग तो वो उसी लाइन पे उसमें कोई कोर्स नहीं किया बट उसी लाइन पे अपने आप को बना दिया और अभी वो एक फैशन डिजाइनिंग जॉब ही कर रहा है बट स्टिल उसका दिल कॉमर्स में अटका हुआ है बात समझना सर उसको या तो वो फिनास को समझना चाहता है टैक्स uh, को समझना चाहता है अकाउंट्स uh, को समझना चाहता है बिजनेस को समझना चाहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उसको बिजनेस में बड़ा इंटरेस्टेड और बिजनेस रिलेटेड पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्टेड तो उसने सोचा कि सी करना सही रहेगा क्या तो ये उसका दिमाग में चल रहा है और वो का दूर तक सोच लिया है बट स्टिल कंफ्यूज है क्योंकि उसका एक तरफ मोड़ ले लिया है गे? मतलब वो वही वाला ना सर कि a lighted match is to a train of एक तरफ उसका ने मोड़ तो ले लिया अब उसके दिमाग में चल रहा है कि वो खुश नहीं है फैशन डिजाइनिंग uh, okay, मतलब को फुल टाइम प्रोफेशन करना नहीं चाहता और साइंस में वो कुछ सीख नहीं पाया कुछ भी नहीं सीख पाया जस्ट डिग्री ले लिया अब साइंस में तो वो कुछ कर नहीं सकता अब डिग्री लेके कुछ काम नहीं होता ना सर रियल लाइफ में कुछ काम नहीं होता डिग्री सिर्फ नाम का होता है दिखाने के लिए बट रियल लाइफ में तो कुछ आएगा तो काम आएगा ना सर तो अभी उसके मन में चल रहा है कि वो वापस कुछ कॉमर्स का कुछ करना चाहता है तो वन ऑफ दी कोर्स उसने सोचा अपने मन से सीएमए कैसा होगा तो ऑब्वियसली बहुत ही बेस्ट कोर्स है तब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद मोस्ट साउटिंग कोर्स है इंडिया के स्पेशली इन द कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन उसके दिमाग में चल रहा है तो मेरे को पूछ रहा था अब वही देखो सर आप बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि एक बार आप कुछ सोच लिए तो फिर आपको वही मतलब हो सकता है कि गलतियां हो सकता है दैट मत, मत, मतलब मतलब इसका ये नहीं कि आपका डिसीजन मेकिंग में गलती नहीं हो सकता बट डिसीजन मेकिंग में गलती हो लेकिन बार बार गलती होना अच्छा बात नहीं है उसने ये फर्स्ट टाइम मिस्टेक किया है बट अभी भी उसके पास टाइम है बिकॉज स्टिल उसके पास पढ़ने का एज भी है और वो टेंडेंसी uh, भी है ठीक है तो वो तो मेरे को बार बार पूछ रहे कि सर क्या करना सही रहेगा तो मैं क्या बोलूँ उसको मैं लास्ट में यही बोला कि डिसीशन साफ का है सोचे हो तो कर लो मैं फिर कोर्स का अच्छा बुरा बोल सकता हूँ लेकिन अल्टीमेट कॉल तो उनको लेना है क्या मैं सही बोला कि नहीं बोला सर कोर्स तो बहुत बढ़िया है और भी सारा बहुत सारा बात हुआ लेकिन अल्टीमेट कॉल किसको लेना है उसी को लेना है ना या तो फैशन डिजाइनिंग में टिक के रहो या फिर अगर कुछ सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस फील्ड अच्छा नहीं लगता मैं वो फील्ड में जाना चाहता हूँ तो उसको पूरा का पूरा करना है मतलब एक्सेप्टेंस करना है ना अपने आप के साथ प्लीज आप, आप लोग मुझे हेल्प करना सर मैं सही बताया yes. नहीं बताया उसको एकदम ठीक है ना तो जब तक अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तब तक वो कैसे बन पाएगा जैसे उसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा था क्रिकेटर बनने का एग्जाम्पल दे रहा था कि बहुत सारे लोग इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहते हैं बिकॉज क्रिकेट में बहुत ग्लैमर है क्रिकेट में लेकिन ग्लैमर के लिए बात नहीं है क्रिकेट खेलना भी लोगों को बड़ा मतलब पसंद है मतलब इंडिया में अभी तो मतलब ऐसा बोला जाता है क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया काइंड ऑफ दैट स्पेशली इन बॉयज़ और गर्ल्स भी आजकल बड़ा कर रहा है सर गर्ल्स को पीछे नहीं करना चाहिए आई डोंट नो एंड एंड साइनी इज इंकी इज याल्सो ईयर उनको क्रिकेट में कितना दिलचस्पी है मतलब एटलीस्ट देखता है कि नहीं आई डोंट नो बट आजकल सर लड़की लोग भी ना आप लोग हरमनप्रीत कौर का नाम सुने हो सर मतलब जो वुमेन्स क्रिकेट टीम इंडियन टीम का कैप्टन है हां सर टी20 में कैप्टन हां टी20 नहीं सर वो वनडे का भी है मिताली राज तो अभी नहीं है ये सर सब डी मेरी कैप्टन सब स्क्वाड अभी वो हर हर चीज का स्क्वाड में है मिताली राज तो अभी कैप्टेंसी में नहीं है अभी हरमन प्रीति कैप्टन है और लेफ्टी जो अभी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है जानते हो क्या नाम है उसका कोई बता पाओगे हां स्मृति मंधाना स्मृति मंदना वेरी गुड लड़का लोगों को बड़ा खबर है सुनते दीप सा आप लोगों को पता है इन लोगों के बारे में हनमनप्रीत कौर स्मृति मंदना गोस्वामी yes, जानते हो इन लोगों? को yes, यस सर पता है पता है ठीक है क्रिकेट में इंटरेस्ट ना रखो दे जरूरी नहीं है कि हर कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट रखेगा वो जरूरी नहीं है बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आजकल लड़की लोग बिना बड़ा फेमस हो रहा है सर क्रिकेट में और क्रिकेट तो तो वुमेन्स तो क्रिकेट भी बड़ा मतलब जबरदस्त बन रहा है तो आप सोचो एक बार कि हरमनप्रीत कौर जब क्रिकेटर उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था हरमनप्रीत कौर स्मृति वंदना का तो हरमनप्रीत कौर तो जबरदस्त क्रिकेटर बना स्मृति वंदना तो वर्ल्ड नंबर वन है अभी बैट्समैन पे तो अगर सोचो कि वो लोग सोच रहे थे कि नहीं हम लोग तो औरत है हम लोग लड़की है हाँ, हम लोगों का काम तो सर कुछ आजकल पढ़ाई तो करते हैं लड़की लोग पर ठीक है एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं वो तो इतना हटके सोचा कि जो दुनिया में कोई नहीं सोच सकता बहुत ही कम लोग सोच सकते हैं तो एक्सेप्टेंस किया ना पहले अपने माइंड के साथ सही ना? ना पहले अपने मन के साथ एक्सेप्टेंस किया कि हाँ हम लोग क्रिकेटर बनेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे अब फैमिली का साथ तो उनको मिल गया बिकॉज पहले वो खुद के साथ एक्सेप्टेड था उसके बाद उसका फैमिली भी उसको एक्सेप्ट किया और सपोर्ट दिया हाँ वो बहुत दिया सीरियसली दिया फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होता है obviously. बहुत कम लोग होते हैं जो फैमिली सपोर्ट बिना अपने आप को बना पाता है बहुत कम लोग होते हैं बट सबसे पहले एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम योर साइड आफ्टर दैट योर फैमिली विल सपोर्ट यू तो पहला बात ये है मतलब अपना दम दिखाना चाहिए उसके बाद तो वही चीज मैं भी उसको पांच मिनट बात हो रहा था तो मैं उसको बोला अब अब बात है है, सर, अब train of में matches कब जलाना क्यों जलाना है और अगर गलती हो गया तो गलती को सुधार के इतना जल्दी उस पर चेंजेस लाना है it's fully आप लोगों के ऊपर है ओके okay? तो इसीलिए ये acceptance वाला जो chapter, मतलब जो टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं हम लोगों का मेन मैक्सिमम बातें सर बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा बट फिर भी इस तरह का मोरल बूस्टअप वाला भी बातें जैसे कि बातें चल रहे हैं यहाँ पर ऐसे भी होते रहेंगे अच्छा सबको एक्सेप्टेंस का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया इतना मुझे बताइएगा यस सर यस सर थैंक यू सर थैंक यू सर ओके तो एक मिनट अच्छा अभी सर लीगल रूल्स रिगार्डिंग ए एक्सेप्टेंस मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए एक्सेप्टेंस को वैलिड करने के लिए कुछ लीगल रूल्स होते हैं ठीक है तो क्या क्या रूल्स होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए आपको ये कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं तो देखना ध्यान से फर्स्ट थिंग एक्सेप्टेंस कैन बी गिवेन ओनली बाई दी पर्सन टू हूम ऑफर इज मेट एक्सेप्टेंस कैन बी ओनली पर्सन टू ऑफर इज मेड इसका मतलब जिसको किया जा रहा है वही एक्सेप्ट करे दूसरा कोई नहीं कई बार ऐसे होते हैं सर इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर अगर बात स्पेसिफिक हो तो स्पेसिफिक पर्सन को ही तो चूज करना चाहिए सर इसमें क्या बड़ी बात है लेकिन सर आप देखो कि ये बड़ी बात मतलब ये छोटी बात भी ना बहुत बड़ी कुछ हो जाते हैं मतलब कैसे होता है देखना सर

एग्जैक्टली सर फर्स्ट रेविलियन का जो हुआ था मतलब इसको हम लोग महाविद्रोह बोलते हैं ठीक है सिपाही विद्रोह भी बोलते नहीं सिपाही हाँ हाँ सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कारनामा हार गया था इंडिया मतलब हम लोग हार चुके थे ब्रिटिश के सामने बट ब्रिटिश भी देखा था कि इंडिया का जो आम आदमी का जोश क्या होता है ओके सर ट्वेंटी सिक्स आ रहा है ना सर तो थोड़ा तो जोश होना चाहिए <laughs> तो बोल्टन वर्सेस एटीन 1857 उस टाइम पे वो लोग ऐसे केस लड़ रहा था क्या केस में हुआ था देखो इंग्लैंड वाला ही केस है फैक्ट क्या है बोल्टन बोल्टन जो है ना सर बोल्टन बॉट बॉर्ड बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकल हार्ट ठीक है मे बी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है बिकॉज इस तरह का प्रोनाउंसिएशन आई एम नॉट वेरी हैबिचुएटेड तो मे अब इसका नाम ब्रॉकल हार्ट है या फिर ब्रॉकल समथिंग है आई डोंट नो बट मुझे तो यही लग रहा है सर तो बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकल हार्ट तो ध्यान से सुनना पूरा केस हम. बॉल्टन एक बिजनेस खरीदा ब्रोकल हार्ट से ठीक है बॉल्टन एक बिजनेस खरीदा ब्रोकल हार्ट से जो क्रेडिटर. ओके जोन्स कौन है सर ब्रोकल हार्ट का क्रेडिटर है क्रेडिटर मतलब कौन सर क्रेडिटर मतलब हाँ क्रेडिटर मतलब जिसको पैसा मिलेगा ओके बिजनेस पे जिसको पैसा मिलेगा अब यहां पर किसको पैसा मिलेगा जॉन्स को पैसा मिलेगा किससे मिलेगा ब्रोकल हर्ट ब्रोकल हार्ट से मिलेगा ठीक है तो जॉन्स को पैसा मिलेगा ब्रॉकल हार्ट से पैसा मिलेगा तो यहां पर तीन बंदा है सर केस जो है इसमें तीन जन है एक है बॉल्टन एक है ब्रॉकल हट और एक है जॉन्स ठीक है अब बॉल्टन ने बिजनेस परचेस किया किस से हार्ट से ना बॉल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रॉकल और जॉन्स कौन है सर वाई बिजनेस ध्यान से सुनना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और जॉन्स कौन है किसका क्रेडिटर है है आर्ट काट का क्रेडिटर है तो क्रेडिटर ऑफ तो जॉन्स ब्रोकल हार्ट का क्रेडिटर है तो यहां पर को जॉन्स को कुछ पेमेंट करना है किस को जॉन्स को पेमेंट करना है, करना है. कुछ पेट पे तो करेगा बॉल्टन ने ब्रोकल हार्ट का बिजनेस को बाय कर लिया अब ध्यान से देखो क्या हुआ जॉन्स ने यहां पर क्या किया कुछ ऑर्डर किया क्या ऑर्डर किया जॉन्स क्रेडिटर

ब्रोकल हार्ट के साथ ओके क्योंकि अभी जॉन को तो ब्रोकल हार्ट को कुछ पेमेंट करना था अभी जॉन जा, क्या कर रहा है वो बोल रहे कि ठीक है अगर तुम पेमेंट नहीं कर पा रहे हो ध्यान से समझ, समझना यहाँ पर ये यह जो जॉन जॉन्स है वो क्या कर रहा है कि वो पेमेंट नहीं दे रहा ना ब्रोकल हार्ट तो पेमेंट नहीं दे रहा तो वो सिंपल बोल रहे ठीक है पेमेंट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं ठीक है ये जॉन है ये ब्रोकल हार्ट है मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ और इधर बोल्टन है ये बोल रहे ठीक है मैं कुछ गुड्स ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हें गुड्स कुछ ऑर्डर कर देता हूँ तुम मेरा ऑर्डर को दे देना ठीक है गुड्स ऑर्डर करके तुम्हारा तुम्हारे साथ जो मेरा डील था उसको हम लोग सेट ऑफ कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर सेट ऑफ तो बोल्टन के साथ ब्रॉकल हट का होने वाला है सॉरी बॉल्टन के साथ सॉरी ब्रोकल हट के साथ जॉन्स का होने वाला है अब बीच में ब, बॉल्टन आ गया और उसने ऑर्डर सप्लाई कर दिया अब जॉन्स बोल रहे नहीं आई डोंट वॉन्ट टू पे यू बिकॉज मेरा तो ब्रोकल हर्ट के साथ हो रहा था बात यही है टू टू तो सेट ऑफ़ ऑफर वाज़ नॉट मेड अब उस पे का नाम लिखा ही नहीं था तो उसमें हट का ही नाम लिखा था तो सिंपल था सर बोल्टन को बोलना चाहिए था जॉन्स को कि देखो भाई अभी ये बिजनेस ब्रॉकल हार्ट का नहीं है ये बिजनेस अभी किसका है सर ये बिजनेस अभी किसका है बोल्टन का है तो सिंपल ब्रोकल हार्ट इसको बोल देता मतलब बॉल्टन ब्रॉकल हार्ट को बोल देता कि भाई तुम्हारे नाम पे जॉन्स ने ऑर्डर भेजा है तो मैं क्या करूं तो वो बोल देता जॉन्स को बॉल्टन भी जॉन्स को बोल देता कि अभी ये बिजनेस ब्रोकल हार्ट से मैंने ले लिया तो तुम एक बार ब्रॉकल हार्ट से पर्सनली ले लो और हमारा तुम्हारा डील क्या होगा लेकिन बॉल्टन ने ऐसा कुछ नहीं किया वो चुपचाप ब्रॉक जॉन्स को प्रोडक्ट भेज दिया और बदले में पैसा मांगने चला गया और जॉन्स रिफ्यूज कर दिया जॉन्स ने रिफ्यूज कर दिया सही किया ना सर रिफ्यूज करके, लॉजिक क्या कहता है नॉर्मल लॉजिक क्या क्या नहीं, नहीं yes, सही सही तो ये इसलिए सही है और इसके पीछे लॉजिक भी यही है कि एज वाज नॉट मेड टू बॉल्टन देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बॉल्टन एंड जॉन्स ओके केस ऑफ यहां ये तो स्पेसिफिक ऑफर था बिकॉज ये जो जॉन्स का जो ऑफर था सर ये एकदम स्पेसिफिक था ये जॉन्स ने एकदम स्पेसिफिकली कर रहा है किसको ब्रोकल को कर रहा है लेकिन अगर यही चीज अगर जनरल ऑफर होता जिन लोगों ने भी इससे पहले वाला ये वाला क्लास किए हो अगर किसी ने नहीं किया तो मे भी उनको दिक्कत हो सकता है ठीक है तो ये uh, कार्बोलाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का कहानी याद है सर सबको यस सर, सर। जनरल ऑफर का कहानी हाँ करलाइल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल एक जनरल ऑफर था ये एकदम यही वाला कहानी था ना कर, ये केस पूरा मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो एकदम करेंट सिचुएशन के साथ बड़ा मैच करता है याद है इन्फ्लुएंजा वायरस का खेल था मतलब ये एक्चुअली सच में था सर फ्लू जो होता है ना सर आजकल भी फ्लू वाला वायरस होता है मतलब जो बुखार है नॉर्मल है जो आजकल किसी को भी नॉर्मल बुखार होता है हम लोग क्या बोलते हैं सर जनरल नॉर्मल फ्लू ऐसे बोलते हैं ना हाँ yes, ये जो फ्लू है ना सर ये फ्लू जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं ठीक है ये इन्फ्लुएंजा वायरस इस टाइम पे एक्चुअली वर्ल्ड में आया था 1893 में उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था जैसे आज कोरोना के कारण हुआ है बहुत सारे हम मेरा भी बहुत सारा क्लोज रिलेशन पे भी प्रॉब्लम हुआ है सर तो बहुत मैं जिसके साथ भी थोड़ा सा बात कर रहा हूँ बहुत कि या तो क्लोज रिलेटिव या तो दूर के रिश्तेदार में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम बढ़ा है सर तो सिमिलर 1893 का केस था तो उस टाइम पे एक मेडिकल कंपनी था जैसे कि अभी इंडिया में जैसे है ना सर वो क्या कंपनी है जो इंडिया में अब वायरस का जो इंजेक्शन से निकाला सीराम सीराम इंस्टीट्यूट है ना सर सीराम इंस्टीट्यूट है yes, तो उसी तरह का एक इंस्टीट्यूट एक कंपनी था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी तो उन्होंने एक ऐसे वो एक तो उस दवाई का कॉन्सेप्ट कुछ जैसा था उसको ना ऐसे एक बॉयल टाइप का होता है तो उसको नाक में लेना है और उसका जो एक धुआं होता है सर वो धुआं को अंदर लेना है और क्या होगा ना आपके नाक से ना पानी निकलेगा जैसे सर्दी में होता है ना सर नॉर्मल जो आपके वहाँ से जो एकदम कच्चा कच्चा पानी की तरह निकलते हैं तो वो पानी निकल जाएगा इसका मतलब वो वायरस भी निकल जाएगा इस तरह का एक बॉल था तो बोला था कि जो कोई भी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला था कि जो कोई भी इसको यूज करने के बाद अगर किसी को भी अगर किसी को भी आ, फ्लू आता है वापस तो उसको कुछ टू हंड्रेड पाउंड का वो आ, देगा मतलब कैशबैक बैक, कैश बैक करेगा ठीक है मतलब गिफ्ट करेगा कि अगर बाई चांस उसको हो जाता है तो तो ये मिसेस आ, मिसेस करलाइल इनका हो गया था मिसेस करलाइल का हो गया था अब जैसे बोलो कि ये कार्बोलिक स्मोक बॉल जो बोल रहा है कि जो किसी को भी अगर किसी को भी अगर हो जाए कार्बोलिक स्मोक बॉल यूज करके अगर फिर से उसको दोबारा फ्लू आ जाए तो कार्बुलिक स्मोक बॉल कंपनी उसको टू हंड्रेड पाउंड का मुआवजा देगा ठीक है मतलब वो एक तरह का क्षतिपूर्ति के टाइप का ठीक है तो अल्टीमेटली मिसेस है और ये एकदम न्यूज पेपर में भी आया था ये केस मैंने आप लोगों को दिखाया भी था आ, उस टाइम पे एक बार फिर से जो अगर किसी ने नहीं किया था उस टाइम पे मैं अभी दिखा देता हूँ एक बार आप न्यूज पेपर को उस टाइम का जो यूके वाला न्यूज था करलाइल वर्सेज कार्बुलिक स्मोक बॉल का ये देखो देख रहे हो सर इस तरह का हंड्रेड पाउंड टू हंड्रेड पाउंड ऐसा कुछ केसेस हुआ था ये देखो हंड्रेड पाउंड ये देखो देख रहे हो सर दर्बुल पहले हंड्रेड पाउंड का था उसके बाद उन्होंने और बढ़ाया था नाउ ऑफर टू हंड्रेड पाउंड रिवार्ड दिख रहा है सर सबको ये मैंने पहले था ठीक है लंडन ओके लंडन का केस था तो बाद में मैसेज कर को पेमेंट देना पड़ा था ठीक है उसका अगर आज के डेट में वैल्यू किया जाए तो करीब सेवेंटी फाइव लाख का समथिंग कुछ ऐसे हो रहा था मतलब इन्फ्लेशन के साथ मतलब सपोज मतलब 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 मानो कि सीराम इंस्टीट्यूट भी ऐसे ऑफर कर रहा है कि उनका कोविड का जो वायरस का आ, भी ला रहा है सर ये लोग ये लेके कि अगर किसी को फिर से कोविड आ जाए तो फिर वो ऐसे ही कुछ एक आ, दस लाख बीस लाख दे देगा दे मजा आ जाएगा सर हाँ नहीं सर ऐसा मजा आएगा कोई जरूरत ही नहीं है बस सर और ये कोविड दिल दिमाग किसी का और खराब ना करे लोगों का जीवन ना इधर उधर होके रखा है ठीक है मेरा भी हुआ है मैं क्या बताऊं सर ये सबका हुआ है बहुत, सारा, सारा, सारा वर्ल्ड को हुआ है लोगों का जिंदगी इधर उधर हो गया है तो ऐसे उम्मीद करना भी नहीं चाहिए पैसे के लिए किसी को भी ये तो मैं मजाक मजाक में बोला आप लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन मत कर देना ओके सर तो जनरल ऑफर के, के केस में मैटर जनरल हो सकता है और यहाँ पर करलाइल ने मैटर को एक्सेप्ट किया था और कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम किया था और क्लेम का मतलब जो भी भुगताना है वो दिया था कंपनी ने क्योंकि उन्होंने बोला था कि देगा बोल के तो फिर बात समझ में तो ये केस भी हुआ था मतलब कंपनी ने इग्नोर किया था तभी जाके केस बना था और अल्टीमेटली करलाइल जीता था ठीक है सर तो जनरल ऑफर के केस में इट्स पॉसिबल बट स्पेसिफिक ऑफर के केस में ये पॉसिबल नहीं है जिसको किया गया है उसी को भुगतना है ठीक है क्लियर है ना सर स्पेसिफिक ऑफर क्लियर है स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस यस सर एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड तो ये एकदम स्पेसिफिक केस था अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है सर एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड ओके एज पर सेक्शन 7 एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड

अच्छा मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा सबको ज्योति ज्योति का मेरा आवाज आ रहा है ज्योति समझ में आ रहा है इंकी आयुष आयन सायनी यस सर ओके समझ में ha, आ रहा है ना सर सर यस कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या दीक्षा था तो क्लास में ठीक है देखो <coughs> तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बात बताऊंगा कि जिस तरह से बोला गया है उसी तरह से एक्सेप्ट करो ठीक है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड ओके अनक्वालिफाइड मतलब जिसमें किसी भी तरह का शर्त ना हो ठीक है विदाउट एनी मतलब आप कंडीशन लगाओ ऑफर जिस तरह से हुआ है आपका एक्सेप्टेंस भी उसी तरह से होना चाहिए एक सिंपल सा बात कहते हैं आ, एक कैसे बताऊं मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं बहुत लोग शायद कनेक्ट कर लोगे यहाँ पर तो एक बिजनेस वाला कहानी है वो तो मैं बताऊंगा आपको बट ताकि आप लोगों को बड़ा जोरदार में याद रहे सर

वैसे लड़की को पसंद करने में प्रॉब्लम क्या है ठीक है सर तो कहानी कुछ ऐसा है विश्वजीत ने किसी को पसंद किया आयुष ने भी किसी को पसंद किया अब जाके ना वो लोग ऑफर कर दिया मतलब प्रपोज कर दिया कि आ, मतलब वो क्या सर वो प्यार मोहब्बत वाला प्रपोजल क्या बोलते हैं उसमें मतलब शादी वाला नहीं ठीक है विल यू लव मी या फिर काइंड ऑफ दैट आई डोंट नो क्या बोलते हैं डिटेल्स में बट मतलब वो प्यार वाला प्रपोजल कर दिया ठीक है विल यू बी माई पार्टनर टाइप का लेकिन अगला उल्टा साइड से वो लड़की जो है वो बोल रहे कि भाई मेरा भाई बन जा राखी पहना देते हैं या फिर बोल देते हैं क्या फिर कोई बोल देते हैं थोड़ा और स्टाइल में नहीं नहीं यार, यार फ्रेंड फ्रेंड हम लोग ओके हैं सही समझ रहे हो सर आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ ये बंदा क्या था कुछ और सोच के अगला उसको भाई बना दिया या फिर अगला उसको क्या बना दिया सर दोस्त बना दिया ठीक है फ्रेंड ओके है कुछ समझ में आया

मतलब जो है मतलब जिस तरह से आपको बोला जा रहा है आप उस तरह का जवाब दो ना मतलब नहीं मतलब ना तो ना बोलो भाई भाई क्यों बनाना है मतलब थोड़ा दिल भी रख लेते भाई क्यों भाई है वो कहा ठीक है या फिर दोस्त क्यों नहीं ठीक है ऐसा नहीं हो सकता डायरेक्ट बोलो या तो हाँ होगा या तो ना होगा ऐसे मतलब कंडीशन के साथ मत आओ यार तो यहाँ पर बिजनेस वाला कहानी सुनो ठीक है बिजनेस वाला क्या कहानी है एम ऑफर टू सेल इज लैंड टू एन एम एन को बोल रहा है टू पाउंड में मेरा जमीन ले लो ठीक है एम एन को बोल रहा है टू पाउंड में मेरा जमीन ले लो इन रिप्लाइड पर्पटिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट इनक्लोज डिस्ट चेक फॉर 80 पाउंड ऑनली ऑफर को एक्सेप्ट किया बट जो चेक इशू कर रहा है वो अस्सी डॉलर का है अस्सी पाउंड का 80 पाउंड का और बोल रहा है कि ही प्रॉमिस टू पे दी बैलेंस ऑन टू हंड्रेड पाउंड इंस्टॉलमेंट ऑफ फिफ्टी पाउंडी पाउंड मांगा था। आप बोल रहे हो अभी एट्टी पाउंड रखो फिर बाद में टू हंड्रेड पाउंड तो दूंगा आपको बट वो भी पर मंथ फिफ्टी पाउंड ईच कुछ समझ में आया सर क्या ये एक्सेप्टेंस होगा पेमेंट तो पूरा करेगा नो सर मतलब ये तो नहीं ये तो अनक्वालिफाइड नहीं बन रहा है ना सर ये तो शर्त शर्त मुताबिक हो रहा है मतलब आपको तो पूछा गया था कुछ और आप उसका घुमा के जवाब दे रहे हो और वो भी प्रॉपरली नहीं है ना वही वाला हो गया ना बनाने गया था गर्लफ्रेंड बन गया था तो बना दिया भाई प्रॉब्लम वही वाला हो गया मतलब जो एक सोशल वाला था यहाँ पर ये बिजनेस वाला में हो गया जैसे बोला जा रहा है वैसा उसका हाँ या ना बोलो मतलब अगर एन को यहाँ पर क्या करना चाहिए था सिंपल भाई मैं टू एट्टी पाउंड नहीं कर सकता मैं टू एट्टी पाउंड आपको नहीं दे सकता वो बाद में एक अपने तरफ से ऑफर दे सकता था कि मैं इस तरह से आपको पेमेंट करना चाहता हूँ बट वो क्या कर दिया सर वो तो एट्टी डॉलर का एक अपने ही मन में सोच लिया कि नहीं नहीं इसको बोलेंगे तो ये ले लेगा इंस्टॉलमेंट हाँ, में ले लेगा एट्टी पाउंड का पहले दे दूंगा फिर बाद में दो सौ पाउंड का पचास पाउंड का ईच करके मंथली बेसिस में दे दूंगा अरे भाई तुम्हारे मर्जी से थोड़ी है ऑफर उसने किया तो कंडीशन भी ऑफर का होगा ना एक्सेप्टेंस आपको उस तरह से मंजूर है कि नहीं देखो नहीं तो तुम काउंटर ऑफर करके देखो एक्सेप्ट ऐसे नहीं होता बात समझ में आया कि नहीं आया आपको पसंद ना हो तो आप काउंटर ऑफर कर सकते हो लेकिन इसको एक्सेप्टेंस तो नहीं बोल सकते ना सही की गलत सर बोलो समझ में आया यस 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 हुआ था सर नियली वर्सेस मेरिट मेरिट आई डोंट नो क्या है ठीक है जो भी प्रोनाउंस करना है आप कर लो ठीक है सर ये फॉरेन नेम सर मेरे से एकदम अच्छा नहीं लगता क्या बताऊं आप अपने हिसाब से कर लो जो भी है अच्छा ये ऑफर टू सेल ये ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी

बॉम्बे कोर्ट का केस है मतलब ए ने बोला था कि भाई ए ने बोला बी को कि मैं अपना घर लाख में बेचना चाहूंगा बी रिप्लाई किया उसको आई कैन पे एटी थाउजेंड फॉर इट द ऑफर ऑफ ए इज रिजेक्टेड बाई बी एक्सेप्टेंस इज नॉट अनकालीफाइड बी उसके बाद पहले वो अस्सी हजार बोल दिया ठीक है फिर बी को लग रहा है नहीं भाई एक लाख का सौदा भी सही रहता बात समझ रहे हो अस्सी हजार बोलने के बाद ना वो पछता रहा है अरे एक लाख भी सस्ता था इसका क्यों फालतू में अस्सी बोल के अपना बार्गेन खराब किया तो फिर बाद में अब जैसे ही वो एक लाख वापस बोला ना कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है एक लाख पे दे दो तो क्या इसको एक्सेप्टेंस मानेंगे या फिर ऑफर मानेंगे ऑफर दिस इज नॉट इज काउंटर ऑफर अब जैसे ये काउंटर ऑफर हो गया ना सर ये मतलब जैसे ही बाद में बी बोला नहीं नहीं एक okay, लाख अब नाउ दिस इज टू ए कि अभी ए काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा अगर एक्सेप्टेड है, okay, हो सकता है लेकिन अगर तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप कोई बोलेगा नहीं मैंने एक लाख तो बोला ये जो मार्केट में आप देखना कभी कभी झगड़ा होता रहता है ठीक है तो इस, ये, ये भी वन ऑफ द रीजन है पहले दुकानदार दाम बोलता है फिर कस्टमर एक दाम बोलता है फिर दुकानदार ने कस्टमर को कस्टमर ने जब उसको ऑफर किया अब दुकानदार भी अपना जगह से नहीं हिल रहा है और फिर कस्टमर बोल रहे अभी तो आपने बोला अब दुकानदार देगा कि नहीं देगा दुकानदार का सामान है दुकानदार समझे आप ये दिमाग लगा रहे हो देना है हम लोग लेकिन फिर भी हम लोग झगड़ते हैं झगड़ते हैं कि नहीं झगड़ते सर मार्केट में बोलो मतलब ऐसे देखे हो रोज, हो ना रोज होता है रोज होता है अच्छा सर सर रोज होता है ये सर रोज होता है हम लोग भी देखते हैं मार्केट में क्या हो गया ना मार्केट रिलेटेड जो झगड़ा है हां सर वो बाइक साइकिल रखने वाला झगड़ा नहीं मार्केट रिलेटेड झगड़ा भी होता रहता है ओके तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है काफी सारे केसेस है रियल में भी हुआ है ये केसेस याद रखिएगा कि कब क्या केस हुआ था एग्जाम्पल में नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप ए इन्क्वायर फ्रॉम बी विल यू परचेस माई कार फॉर रुपीज टू लैक इट बी रिप्लाइज आई शेल परचेस योर कार फॉर टू लैक्स कार खरीद दो लाख में बट क्या आप मेरा या को फिफ्टी थाउजेंड में लेना चाहोगे यहां पर क्या बी एक्सेप्टेंस दे रहे या फिर काउंटर ऑफर कर रहा है फिर काउंटर ऑफर कर रहे counter -offer. Counter -offer counter -offer थे थे। है ना सर

रजिस्ट्रेशन बुक दिस इज बिकॉज एक्सपेक्टिंग ए वैलिड टाइटल फॉर दी कार मतलब एक कार आपका है या फिर चोरी का है कैसे पता चलेगा वो पता चलता है रजिस्ट्रेशन देख के ओके इज नॉट ए कंडीशन तो ये कोई कंडीशन नहीं है आप बात समझ रहे ना कि आप समझ ना ये सब जो थोड़ा सा थीन लाइन है अगर ए बी को बी ए को बोलता की ये आई विल बाई योर कार और आई विल परचेस योर कार बट इफ योर कार हैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आरसी बुक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कार का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रस्ते में निकलोगे फिर बोलेगा कि भाई ये तो आतंकवादी लोग यूज करता है बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे सर अगर आतंकवादी के नाम पे कोई कार है तो फिर आप आतंकवादी के हाथ फंस जाओगे सर और आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस लग जाएगा तो ऐसे नहीं है कोई भी कार वगैरह खरीदने से पहले उसका पेपर तो नॉट ओनली कार कोई भी प्रॉपर्टी कोई लैंड खरीदने से पहले उसका सही पेपर देख के खरीदना होता है या बिल्डिंग देख के हेलो सर बोलो यस yes, कार yes, बिल्डिंग लैंड का प्रूफ क्या है उसका पेपर है बिल्डिंग कितना सुंदर है लैंड कितना सुंदर है वो कभी नहीं देखा जाता मतलब लोग क्या है ना ग्रीडी हो जाते हैं पब्लिक का क्या प्रॉब्लम है वो ग्रीडी हो जाता है और ग्रीडी होके वो ग्रीडी होके वो क्या करता रहता है कि वो सोचता है कि नहीं मुझे लेना ही है ये वाला जमीन उसके लिए वो लोकल पा, पा, पार्टी लोगों को घुस दे देता है या फिर लोकल पुलिस को घुस दे देता है ऐसे करते हैं घुस वगैरह दे दे के ले लेता है फिर बाद में उसके लिए वो झगड़ना चल करते मैंने इसके लिए पचास लाख दिया था मामूली बात है क्या पचास लाख इतना बड़ा हो गया कि पेपर्स का भी ध्यान ही नहीं दिया पचास लाख पे ही पूरा जिंदगी बीत गया उसका पचास लाख पचास लाख करते करते मर गया अरे भाई सही पेपर है कि देख फिर पचास लाख हो या पाँच लाख फर्क नहीं पड़ता समझ में आ रहा है सर लेकिन पब्लिक गलती करते कि नहीं करते ये सब तो बेसिक ये <laughs> सब बेसिक भूल होता है ये कलकत्ता में मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ एक सेकंड रुको कहा जाए कलकत्ता में एक जगह है सर ये आप लोग नाम सुने हो जगह का बहुत नाम सुने उस ग्रोइंग टाउनशिप इन कोलकाता इट्स अ वेरी फेमस ग्रोइंग टाउनशिप इन कोलकाता न्यू टाउन जगह का नाम है न्यू टाउन आई थिंक जियाउल का घर उधर है Yes, yes. Yes. में, ही में ही रहता है घोटाला तो, हो थोड़ा बहुत होता है कम तो हुआ नहीं है आ, मैं थोड़ा सा कहानी आपको बता सकता हूँ ये देखो ये है न्यू टाउन ओके इट्स अ वेरी ग्रोइंग टाउनशिप इन कोलकाता वेरी मॉडर्न टाउनशिप बन रहा है ये जस्ट कोलकाता के ईस्ट साइड में है ठीक है ये है कोलकाता मेन कोलकाता इधर है सर जिनको कोलकाता का मैप नहीं समझ में आता मैं उनको बता देता हूँ दिस इज मेन कोलकाता ये जो एरिया आप देख रहे हो ना सर दिस इज मेन कोलकाता गेंजेस के किनारे किनारे ये देखो ये विक्टोरिया मेमोरियल नेताजी सुभाष बोस का वो कल हुआ था वहां पर परसों ये देखो ये मेन कोलकाता है अब इसके साथ जुड़ा हुआ ये है शॉर्ट लेक ओके ये भी ईस्ट में है और टिक शॉर्ट लेक पे पीछे काफी सारा ऐसे लेक देख रहे हो सर आप लोग बहुत सारा लेक है यहाँ पर सॉल्ट को इसीलिए सॉल्ट लेक कहा जाता है ऐसे ऐसे इसका नाम सॉल्ट लेक नहीं हो गया यहाँ पर बहुत सारा लेक हुआ करता है और ये कोई मैन मेड नहीं है मैं आपको बता दूँ दिस दीज आर नॉट मैन मेड ओके दीज आर ऑल मतलब नेचुरल है मतलब ये वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम जगह है जहाँ पर ऐसे नेचुरल सॉल्टी लेक बना है ओके okay? और ये सॉल्टी लेक बहुत यूजफुल भी है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सर ये जो लेक वगैरह है ना इसको बंद करके ये सब सरकारी है दीज आर गवर्नमेंट प्लॉट मतलब ये सब मतलब नेचुरल रिसोर्स में है सर जैसे आप ऐसे गंगा को बंद कर सकते हो क्या आप मेरा बात समझ ना कि आप गैंजेस को बंद कर सकते हो मिट्टी लगा दबा के फिर यहाँ पर घर बना सकते हो क्या नो नहीं ना तो ये भी बहुत बड़ा बड़ा है सर जो लोग भी न्यूटाउन में कभी भी विजिट करना आप लोग में से बहुत लोग ना एक कारण में इसमें यहाँ विजिट करते हो एक्वाटिका है यहाँ पर ठीक है तो एक्वाटिका में जो पानी वगैरह सप्लाई करते ना यहाँ से सप्लाई करते ये कहाँ गया अक्वाटिका ये, ये यहाँ यहीं पर है सही बोल रहे जियाल मैं यस yes. यहीं पर है तो बात यही है सर ये न्यू टाउन में बहुत सारे ऐसे ये तो आप देख रहे हैं ना बहुत सारा था सर नाइनटीन के टाइम तक काफी सारा इवन नाइनटीन तक मेरा बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ से बहुत सारा स्टूडेंट में मेरे पास आया है और अभी भी बहुत सारे बड़े स्टूडेंट भी है जिन लोग मुझे हमेशा बताते हैं सर यहाँ पर इतना सारा मतलब था सबको बंद करके सरकार उसको मतलब कोई सरकार है कोई डुप्लीकेसी किया है अब वहाँ पर लोगों ने घर बनाया है बहुत सारे इलीगल प्रॉपर्टीज है अब किस प्रॉपर्टी का किसका नाम पे है ना वो भी किसी को नहीं पता मतलब ओरिजिनल ओनर कौन है वो भी नहीं पता ऐसे भी बहुत सारा कैसे हुआ है हाँ बाद में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हाटको के साथ मिलके बहुत सारा प्रॉपर्टी हाँ पर लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ना जमीन है बट मैं जानता हूँ उनका प्रॉपर पेपर नहीं है मेरे पास ऐसे खबर है सर कि पे मतलब उनके वो बोलता है कि मेरा जमीन है वहां पर लेकिन वो जमीन उनका ओरिजिनल नहीं है मतलब वो किसका ओनरशिप में है किसी को नहीं पता लेकिन ऐसा चला है सर मैं जितना सुना हूं मैं आपको बता रहा हूं ठीक है uh, किसी के साथ साथ बड़ा क्लोज के साथ भी हुआ है मैं देखा हूँ उनको प्रॉब्लम में पड़ते हुए ठीक है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कौन सा घोटाला क्या चल रहा है कहाँ चल रहा है दैट इज नॉट माई मोटो हियर बट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप लोग ध्यान रखना हमेशा कि बहुत ही मतलब लालची जमीन है मतलब लालची जमीन समझ रहे हो ना बिकॉज अ वेरी कैची एरिया मतलब कोई भी चाहेगा कि उसका न्यूटन में एक जमीन हो या फिर समथिंग लाइक दैट बिकॉज इज अ वेरी ग्रोइंग एरिया बहुत सुविधा वाला एक, एक एरिया बन रहा है कोलकाता में वेरी

any conditional acceptance or acceptance with varying or two deviant condition is not acceptance such conditional acceptance is a counter proposal and has to be accepted by the proposer. If the original proposal has to materialize into a contract, further, when a proposal is accepted, the offer must have the knowledge of the offer made to him. If it does not have the knowledge, there can be no acceptance. The acceptance must relate specifically to the offer made, then only it can materialize into a contract. The above points will be clearer from the following examples. कुछ अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं आपको तो इसका मतलब यही रहा है सर कि आपको जिस तरह से कम्युनिकेट कर ले मतलब एक्सेप्टेंस अगर आप करोगे तो कम्युनिकेट करो उसका ठीक है अगर कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता है एग्जाम्पल्स देखो थोड़ा मजा आएगा मतलब गजब पॉइंट है ब्रॉड ब्रॉडेन वर्सेस मेट्रोपोलिटन रेलवे कंपनी एटीन का केस है फैक्ट क्या हुआ था बी ए सप्लायर बी ए सप्लायर

प्रूव वाला वर्ड लिखा ऑन दिस ऑन द सेम उसी पे लिखा एंड पुट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन द ड्रॉअर पॉइंट को समझ में आया सर ड्राफ्ट एग्रीमेंट को ड्रॉअर में रख दिया सर मतलब तो अप्रूवल करके ड्रॉअर में रख दिया ऑफ द टेबल इंटेंडिंग टू सेंड टू द कंपनीज सॉलिसिटर्स फॉर ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बी ड्रोन अप बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिमेन इन ड्रॉअर मतलब जो

बट आप किसी कभी आपके मन में जो चल रहा है आप उसको कभी जुबान पे लाए ही नहीं अरे भाई पसंद करते हो तो हाँ तो बोल डालो मतलब यस मतलब जो भी कहना है वो बंगाली में एक ऐड आता था सर आई डोंट नो आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं एयरटेल का ऐड आता था एयरटेल मतलब 2000 थाउजेंड मे बी टू थाउजेंड थ्री फोर ऑन दैट टाइम आप लोग बहुत छोटे थे या फिर जन्म भी नहीं हुआ था किसी किसी का तो ऐड क्या था जानते हो बंगाली में था तो ऐड कुछ ऐसा था मोनर मानुशे रही जागोते मोनेर कथा खुले वालो जो लोग बंगाली समझते हैं समझ गया मतलब मोनिर मानुष मतलब चाहने वाले की इस आ, दुनिया में अपने मन की बात खुल के कहो ठीक है तो कुछ ऐसा था ट्रांसलेशन इसका हिंदी तो मोनेर मानुषे रही जागोते मोनेर कथा खुले वालो दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स उसके बाद बोलता था एयरटेल एक्सप्रेस योरसेल्फ सेल्फ़ ये एयरटेल का टैगलाइन आई होप आप लोग जानते हो एक्सप्रेस योरसेल्फ आज भी है, है ना सर एयरटेल का टैगलाइन एक्सप्रेस योसेल्फ है कि नहीं है यस सर ये इसका टैगलाइन है सर एक्सप्रेस योर योसेल तो बेसिकली पॉइंट ये है यहाँ पर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ आप मन ही मन में प्यार कर लिए और मन ही मन में उसका भी कहीं और हो गया सर सेटल हो गया मतलब शादी वगैरह बाद में हो गया उस टाइम पे जब होना था और आपके मन में ही रह गया और वो मन में वो वाला बोझ लेके आप सोच रहे हो कि आपका तो खत्म यहाँ पर भी बात कुछ मैनेजर के साथ भी कुछ पैसा ही हुआ मैनेजर भी अपना बात मन में ही रख लिया और कंपनी का जो मतलब बी को जो सप्लायर था उसको बाद में उसको क्या लगा कि भाई मुझे तो कंपनी चाहते ही नहीं है कि मैं उसको कोल सप्लाई करूं तो अल्टीमेटली कंपनी का कोल तो बी को सप्लायर के तौर पे तो, तो कंपनी मिला ही नहीं और बी को मतलब कंपनी को भी जो रेलवे कंपनी था उसको भी कोई सप्लायर नहीं मिला मतलब ये लोगों का भी वही जो मिलना था वो मिले नहीं बिजनेस के तौर पर क्लियर है सर कहानी कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर मतलब एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियर है कि नहीं है प्लीज टेल मी सर मैंने थोड़ा सा मजाक तरीके से भी कुछ बातें कहा से मजाक नहीं है ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग नथिंग मोर देन दैट बट आई होप यू कैन मतलब इजीली कनेक्ट मतलब मे बी आप ब्रॉडगेन ब्रॉडगैंड मेट्रोपोलिटी कंपनी ऐसे पढ़ोगे तो मे भी भूल सकते हो बट अगर साथ में कुछ और साथ के साथ कम्युनिकेट करते हो तो मे बी आप कभी ना भूलो हेलो सर समझ में आ रहा है बताइएगा सर यस यस सर ओके okay. सर बस मेरा ये जो एग्जाम्पल्स मैं देता रहता हूँ ना इसके पीछे और कोई वजह नहीं होता कोई भी इसका गलत मतलब ना निकालना गलत मतलब निकलोगे तो फिर आपको ही दिक्कत है इसका एक ही रीजन होता है ताकि आप कनेक्ट कर लो फटाफट ऐसे लॉ ना बहुत बोरिंग होता है अगर आप मैं, मतलब नॉर्मल पढ़ा जाए तो लॉ से बोरिंग चीज दुनिया में कोई नहीं है बट अगर आप इसको समझ पाओ अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाओ तेन तो इससे मजेदार सब्जेक्ट आपको कभी ना मिले ठीक है अब लोग देखना कभी कई कई अच्छे मूवीज होते हैं सिर्फ कोर्ट केस को लेके सिर्फ कोर्ट केस को लेके और वो मूवीज इतना भी देखा होगा एक बहुत अच्छा मूवी था ओमाई गॉड का ओमाई गॉड था ना सर कोर्ट केस लेके ही तो था भगवान पे केस किया था भगवान पे केस किया था याद है सर आप लोगों को हाँ सर हाँ इसी लिए लीगल मैटर्स में अगर दम है ना अगर मतलब वो बोलने वाले पे और समझने वाले पे नजरिए पे होता है कि मतलब ऐसे नॉर्मल देखो तो लॉ ए भगवान कितना भयंकर सब्जेक्ट है आ, क्या लिखा रहता है आधा से ज्यादा बात तो समझ में नहीं आता बट इफ यू कैन कनेक्ट विथ विथ योर मतलब फ्रॉम योर हार्ट और विथ योर ऑब्जेक्टिव देन ये बहुत इंटरेस्टिंग है जैसे ओमाई गॉड देख लो जॉली ली में कितना सुंदर दिखाया इवन अगर आप एक लव स्टोरी है उसमें भी गजब दिखाया था जारा जारा, ओ, 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 वीर जारा देखे हो आप लोग वीर जारा शाहरुख खान प्रीति ज़िंटा एंड रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी ने देखा है शाहरुख खान का नहीं देखा देखा जो देखा वेरी गुड सर बहुत अच्छा स्टोरी है और उसमें कोर्ट केस का भी कहानी बड़ा गजबी कहानी है कोर्ट में जो दिखाया और जिस तरह से रानी मुखर्जी ने उसमें एक डायलॉग था मुझे थोड़ा याद आ रहा है बचपन में देखा हुआ मूवी है तब मैं क्लास टेन में पढ़ता था शायद टेन हाँ टेन ही होगा टू थाउजेंड ऐसे कुछ तो एक बोलता था कि मैं कैदी नंबर सात सौ सलाखों के बाहर देखता हूँ ठीक है वो एक बड़ा सुंदर सा लाइन था कैदी नंबर सात सौ छियासी सलाखों के बाहर देखता हूँ वो एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स का कैप्टन था और पाकिस्तान में पहुँच गया था तो उसको यहाँ पर जेल में उम्र कैद दे दिया था और कभी उसने कुछ गलती नहीं किया था बट पाकिस्तान ने उसको छोड़ा नहीं था ऐसे बहुत सारा है सर प्रिजनर ऑफ वॉर तो ऐसे वार कुछ नहीं हुआ था वैसे ही थोड़ा गलती से चला गया था बाई मिस्टेक ऐसे बहुत ही क्लोज बॉर्डर है तो उसका कोई इस गलती नहीं था फिर भी पाकिस्तान उसको छोड़ा नहीं था उसी के आधार पे मूवी का ये कहानीतम है सरबजीत मूवी तो लव स्टोरी नहीं है प्रॉपरली बट सरबजीत सरब थोड़ा सा सीरियस है ये लव स्टोरी पे हाँ ये लव स्टोरी पे बना है और सरबजीत एक आम फार्मर्स था सरबजीत तो रियल है एकदम रियल कहानी है सरबजीत एकदम रियल कहानी है और ये रियलिटी से इंस्पायर्ड किया गया है एक हाँ ये कहानी है वीर जरा कहानी है बट सरबजीत एकदम रियलिटी है सरबजीत तो पे वो तो वो मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट है वो तो भगवान का बात आ रहा था वो माई गॉड का तो यहाँ पर एक भगवान दास का भी केस हुआ है सर भगवान दास गिरिधारी लाल ओके okay? तो केस क्या था एन ऑफर मेड द ऑफरी को कुछ ऑफर मिला बट उसको ये ऑफर किया गया है एक्सेप्टेंस के टाइम पे उसको पता ही नहीं कि उसको ऑफर किया गया है तो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो फिर बात बनेगा ही नहीं ना कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है तो ये केस भी हुआ था एम आर वेरिएशन इन द लैंग्वेज नॉट इन्वॉल्विंग एनी डिफरेंस इन सब्सटेंस वुड नॉट मेक द एक्सेप्टेंस इन इफेक्टिव अगर लैंग्वेज में थोड़ा बहुत वैरी कर जाए और नॉट मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं बनता इन सबस्टेंस वुड नॉट मेक दी एक्सेप्टेंस इन इफेक्टिव ठीक है मतलब लैंग्वेज हेरफेर करने से वो एक्सेप्टेंस नहीं है ऐसा बात नहीं है इसमें भी एक केस हुआ था कभी ये केस का मैं डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को अगर आप लोग थोड़ा सा हो सके तो बाद में देख सकते हो बट ये भी वैसी कम्युनिकेशन का केस है कम्युनिकेशन्स पे एक बड़ा अच्छा अच्छा केस है और बताता हूँ मैं तुम्हें अच्छा ये था हो हे ओर्थ वर्सेज नाइट ठीक है हर एक केस करने जाओ तो पागल आप भी हो जाओगे लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ठीक है जो भी इंटरेस्टेड है मैं आपको डिटेल्स बोलूंगा एग्जाम्पल देखो ये प्रोपोज बी टू मैरी हिम ये गजब है देखना ये प्रोपोज बी टू मैरी हिम ये प्रोपोज किया बी को कि उसको शादी करने के लिए अब बी मतलब ये प्रोपोज कर रहा है कि विल यू मैरी मी ठीक है मतलब तो विल यू मैरी मी बो, मतलब बोल रहेगी क्या मुझे शादी करोगे काइंड ऑफ दैट तो बी इन्फॉर्म ए सिस्टर बी जो है वो ए के बहन को बोल रहा है सी इज रेडी टू मैरी हिम बट ए का जो बहन है ना सर वो ए को बताया ही नहीं कि बी उसको प्यार करता है मतलब शादी करने के लिए रेडी है ए ने बी को बताया कि विल यू मैरी मी बी शर्म के मारे सर ऐसे हो सकते होता है इंडियन सोसाइटीज में बी को नहीं बता पाए ए को नहीं बता पाए बट ए के बहन को बताया कि यस आई एम रेडी टू मैरी हिम बट ए जो है मतलब जो बी का ए का सिस्टर है उसने ए को बोला ही नहीं कि बी उसको शादी करने के लिए रेडी है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस नॉट कम्युनिकेटेड टू ए बात कुछ समझ में आया सर मतलब बात बात मन ही मन में रह गया ना बात वहां तक पहुंचा ही नहीं ठीक है वही मोनेर मानो से एक जगह मोनेर कथा खुले वालो बट बात खुले बोला ही नहीं सर खोल के बोला ही कहा आयुष तेरे को बांग्ला समझ में आता है रे आयुष नहीं नहीं सर नहीं। थोड़ा सा समझने का कोशिश करना धीरे धीरे मैं कभी कभी ऐसे बांग्ला बोलता रहता हूँ सर मदर टंग है ना वो अंदर से आता है ओके सर देखो नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मस्ट भी इन दी प्रेस्क्राइब मोड जैसे बोला गया है सर वैसा ही वैसा ही करो ओके एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दी प्रेस्क्राइब मोड वैदी ऐसे मैं लैंग्वेज के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बंगाली सीखो ये जरूरी नहीं है बट सर इस पे आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेगा आप मोदी जी को देखे हो उस दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन में विक्टोरिया वाला भाषण सुने हो जय श्री राम वाला इसमें नहीं जा रहे सर जय श्री राम वाला कॉन्सर्ट में नहीं जा रहे सर, सर, सर।, सर।, सर उस उसपे मत जाओ आपने मोदी जी का स्पीच सुने नहीं वो मैं बोल रहा हूँ विश्वजीत ने तो सुना और किसी ने सुने हो सर यस यस सर सर काफी लोगों ने सुना तो उस पीच में आपने अगर थोड़ा ख्याल किए हो अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया उसमें आप लोगों ने देखा कि मोदी जी वहां पर कई बार क्योंकि सुभाष बोस का जो मदर टंग था सर वो बंगाली फैमिली से थे और उनका जो बहुत सारे चिट्ठी बहुत सारा उनका जो स्लोगन था बंगाली में भी था ऐसे वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी बहुत ही माहिर थे पूरा भारत को गांधी जी को हराया था सर जानते हो आप लोग नाइनटीन में ये स्टोरी पढ़े हो सर हिस्ट्री में बहुत वो गांधी जी को हराया था वोट में वोट हुआ था <laughs> कांग्रेस का चेयरमैन बनने का 1938 में त्रिपुरी कांग्रेस का वोट हुआ था मतलब एक्चुअली कौन कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा उसमें गांधी जी को हराया था मतलब अगर पॉपुलैरिटी का बात किया जाए तो सुभाष बोस गांधी जी को भी हराने के लिए सक्षम थे सर इसमें मैं गांधी जी का क्रेडिट को कम नहीं करता बट इतना ताकत किसी और में नहीं रहा कभी भी इंडिया में जो गांधी जी को हरा सकता वो सिर्फ सुभाष बोस में था तो तो उनका काफी सारा स्पीच था बंगालीज में तो वर्डिंग्स था लिखा हुआ तो मोदी जी बंगाली तो वो है नहीं वो तो है गुजराती उन्होंने पूरा का पूरा मतलब जो बहुत सारे स्लोगन वहां पर बंगाली में बोला और उसका मतलब भी समझाया बंगाली में बोल के इट्स नॉट अ जोक इवन ये बंगाल में हुआ ये तो है एक बार महाराष्ट्र में गया था मैं उनका भी और एक स्पीच भी सुना था महाराष्ट्र में गया था वहां पर उन्होंने पूरा का पूरा मराठी बोला हर एक बात के बारे में जो भी महाराष्ट्र में फेमस फेमस फ्रीडम फाइटर थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में ठीक है वहां पर वो मराठी बोला और मराठी को भी उन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया था मतलब तो उनका हर एक लैंग्वेज में बहुत ताकत है और तभी वो इतना पूरा का पूरा भारत के साथ कनेक्ट कर सकता है तो कोई एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा जानने में आपका कोई बुराई नहीं है इफ कभी भी मौका मिले तो आप को मौका मिलता है ना तो सीख लीजिएगा ये मेरा इसीलिए है क्योंकि ये चीज में तो प्रधानमंत्री से खुद इंस्पायर हो रहा हूं कि सीरियसली जितना लैंग्वेज के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो ना उतना आप भारत में ना दमदार बनोगे सीरियसली आप जैसा कोई नहीं बनेगा इतना मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि मोदी जी इतना दमदार इसीलिए बने हैं ओके okay, सर चाहे मोदी जी पसंद हो ना हो बट किसी का कोई स्पेशलिटी पसंद मतलब तो तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा हो सकता है किसी को पसंद नहीं है मे बी फॉर सम रीजन पर्सनल किसी का क्वालिटी का आप इग्नोर नहीं कर सकते तो इंटरेस्टिंग है जैसे बोला है वैसे करो कैसे की यही वही है जैसे बोला गया एक्सेप्ट करने के लिए वैसा ही एक्सेप्ट करना है इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि ऑनलाइन में एडमिशन करो तो क्या आप जाके ऑफलाइन में एडमिशन करवाओगे हेलो सर नो सर नो सर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो आपको ऑनलाइन में ही करना है इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है वी डोंट एक्सेप्ट चेक लेकिन आप इंस्टीट्यूट में जाके बोल रहे हो हम चेक ही जमा करेंगे क्या चलेगा no, नहीं चलेगा जैसे बोला है वैसा ही करना है दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन मोड आई होप आपको समझ में आ गया इफ द ऑफर एर प्रेस्क्राइब एक्सेप्टेंस थ्रू मैसेंजर एंड ऑफर इज सेंड एक्सेप्टेंस बाईमेल व्हाट्सएप में पूछा गया आप ईमेल में जवाब दे रहे हो मैसेंजर मतलब व्हाट्सएप टाइप समथिंग ना तो व्हाट्सएप में पूछा गया तो व्हाट्सएप में बोलो अगर पहले से पता था कि हाँ व्हाट्सएप मैसेज चालू है देखना आप लोगों से बहुत लोगों के साथ मैं ऐसे बोलता हूँ व्हाट्सएप यूज करते हो तो अगर यूज करते हो तो फिर व्हाट्सएप में ही बातें हो जाएगा अगर व्हाट्सएप नहीं तो फिर ईमेल में बातें होंगे तो देर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इफ द इन्फॉर्म्स द द दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब बट इफ दू डूम तो जिस मोड पे बोला गया है उसी मोड पे करना चाहिए नहीं तो सर कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो जाता है टाइम जिस टाइम पे बोला गया है उसी टाइम पे करो टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज का एक सही वक्त होता है अब सही वक्त क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ देखो सही वक्त का मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए क्या सही है रीजनेबल क्या है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इफ एनी एंड इफ टाइम लिमिट लिमिटलेटेड मतलब कोई टाइम लिमिट के बारे में बोला नहीं गया देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर ऑफर लैपसेस दट इज रीजनेबल टाइम इज नाउ ना डिफाइंड इन द लॉ एंड दस वुड डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड सरकाम कहीं भी लिखा नहीं है लॉ में कि रीजनेबल टाइम क्या होता है बट ये फैक्ट एंड मैटर पर डिपेंड करता है

बी कम्युनिकेट कर रहे है, चार दिन बाद हाँ हाँ तुम बोल रहे थे ना पचास के जी बनाना पांच सौ में मैं लेने के लिए अभी रेडी हूँ मतलब होता है इसका हेलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाइम yes. yes, हाँ, yes, का मतलब अब बनाना है तो बनाना का क्या टाइम होगा रिजनेबल टाइम लॉ में नहीं बोलता है रिजनेबल टाइम डिपेंडिंग सिचुएशन फैक्ट क्या है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन आई नो ये मेरा ही एक स्टूडेंट का कहावत है मेरा नहीं है मेरा एक स्टूडेंट है सीनियर स्टूडेंट वो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कभी भी उसको मैं बोलता हूँ कि कॉमन सेंस नहीं है तब वो मेरे को जवाब दिया था एक बार आ, कि दादा कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन तो बात में बड़ा दम है उसका मुझे बड़ा पसंद आया था ठीक है सीरियसली कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बोलते तो हैं हम लोग कॉमन सेंस नहीं है भाई सीरियसली कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन तो नेक्स्ट है सर ए ऑफर टू बी सेल इज हाउस एट रुपीज दस लाख बी एक्सेप्टेड द ऑफर एंड कम्युनिकेटेड टू ए आफ्टर फोर डेज हेल्ड दी कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एज फोर डेज कैन बी कंसिडर्ड एज रिजनेबल टाइम इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस यस ना सर एक घर के केस में चार दिन सही है कि नहीं है चार क्या चालीस दिन भी सही हो सकता है हा? हो सकता है कि नहीं हो सकता मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस आप चुप हो इसका मतलब आप हाँ बोल रहे हो ये बात नहीं है सर आपका चुप्पी को हमेशा हाँ नहीं समझा जा सकता मतलब तो ऐसे हम लोग थोड़ा आपके मन में कोशिश करते हैं ना प्लीज थोड़ा सा मेरा बात को अगेन मैं थोड़ा सा मतलब आ, समझने टाइप का बात बोलूंगा ये मेयर साइलेंस वाला बात अगेन किसको बकरा बनाऊ विश्वजीत आयुष किसको लू आ, किसको लेने लगे चलो अयन का ले लेते आयन गुस्सा तो नहीं करेगा ना आयन राजू ओके सपोज मानो कि आयन को किसी को पसंद है ठीक है तो पसंद है तो फिर जैसे किसी फंक्शन फैमिली फंक्शन में बात हुआ ठीक है किसी रिलेटिव uh, के साथ या लड़की के साथ स्पेशली ठीक है तो पसंद हुआ बातें हुआ ठीक है अब बात करने के टाइम पे फर्स्ट टाइम मीटिंग पे थोड़ी ना कोई किसी को प्रपोज कर देता है सर काफी दिनों में देखा है लेकिन आज पहली बार बातें हुआ है सर अभी तो बात करने के बाद एक होता है ना एक टाइम तो होगा ना कि बात खत्म होगा और वो अपने घर के लिए जाएगा और आप भी अपने घर के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अयन वहां पर जिसके साथ भी दोस्तों के बीच में बातें कर रहा था उनके साथ और फिर बात होने के बाद वो जो लड़की थी वो अपने रास्ते लेके जा रहा था तो अयन चुपचाप खड़ा है और सोच रहा है कि आ, क्या वो अयन तो काफ़ी दिनों से उस पर इंटरेस्टेड था बट जिससे वो आज बात किए क्या वो उस पर इंटरेस्टेड है कि नहीं है वो देखने के लिए इंटरेस्टेड एज वेल एज की वो एकदम मान गया इस टाइप का कि अयन ने मनी मन में एक अपने ही कोई एक चीज बोला कि अगर पलट के देखा तो हाँ है आयन, कुछ समझ में आया अगर पलट के देखा तो हाँ है तो कहीं बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि पलट के देखा तो हाँ है पलट के नहीं देखा तो ना है क्या ऐसा हो सकता है सर मे आर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्ट पलट के देखा तो क्या हाँ हो जाता है मूवीज में होता है रियल में होता है क्या तो एग्जैक्टली कोई वैसा वैसा ही वाला ही कुछ केस था यहाँ पर लेकिन अभी बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट देखो अरे प्लीज डोंट माइंड इट्स तो जस्ट एग्जाम्पल फॉर योर इजी कम्युनिकेशन एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड और कुछ नहीं है ताकि आप कभी ना भूलो ये मेल साइलेंस वाला कहानी मतलब ये पॉइंट याद रखना है ना सर तो आप भूलोगे नहीं तो द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफर और इज फेलियर टू आंसर अगर जवाब देने में भूल जाए तो आप उसको हाँ ना समझ लेना यार अनलिस दफर ही हैज इन प्रीवियस कॉन्डेक्ट इंडिकेटेड दैट इज साइलेंस इज द एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस हाँ अगर पहले भी उसने कभी आपको ऐसा बताया कि मैं ऐसा ही करता हूँ मेरा हाँ ऐसा ही होता है ठीक है तो ठीक है तो हो सकता है मे बी बट अगर कभी प्रीवियस कोई कॉन्डैक्ट मतलब कोई एटीट्यूड कोई कॉन्डैक्ट इसका हाँ का इशारा नहीं करते तो फिर शायद यहाँ नहीं है मतलब प्रीवियसली इसके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका एक केस ऐसे पे हुआ था सर फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले या बाइंडले जो भी बोलो आई डोंट नो फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले या बाइंडले मे बी 1862 वाला केस है इसमें अंकल एफ जो है ये अंकल है ऑफर टू तो बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स अपने नेफ्यू का हॉर्स खरीदना चाहता था 30 पाउंड में और बोला था Saying, if I hear no more about it, अगर मुझे इसके बारे में आगे और कुछ सुनाई ना दिया आई शैल एट थर्टी पाउंड अगर आगे थर्टी मतलब इस हॉर्स को बेचने के बारे में अगर निफ्यू ने कुछ भी और स्टेप्स ना लिया तो इसका मतलब यही है कि अंकल यही मान लेगा कि थर्टी पाउंड के आगे अगर किसी ने मतलब खबर आ जाता है ना निफ्यू ने चालीस पाउंड का दाम रखा है किसी और ने बोला हाँ तो अगर खबर ना मिलता तो मैं यही मान लूंगा कि थर्टी पाउंड पे निफ्यू ने अंकिल को ही बेचा हॉर्स को द दिफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एट ऑल मतलब जब ने जब अंकल अपने निफ्यू को यह बात कह रहा था तब निफ्यू चुप था जवाब में बोला नहीं कुछ भी कि थर्टी पाउंड में ये आपको मैं ठीक है दे दूंगा ऐसा कुछ भी ना बोला कुछ भी नहीं बोला

कि वो उसका प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर दिया हेल्ड क्या अंकल ऐसा कर सकता है तुम साइड पे रखो इसको नीलामी में मत लाना बट ऑक्शनियर तो भूल गया ऑक्शनियर ने भूल गया पर निफ्यू ने तो कभी भी अंकल को अपने मुंह पे नहीं बोला ना कि हाँ अंकल मैं आपको थर्टी पाउंड पे घोड़ा दे दूंगा कभी बोला है सर बोलो नो no, नहीं बोला तो फिर अंकल बाद में अगर बोलता है कि भाई निफ्यू तुम मेरा प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर दिए ती अंकल नहीं बोल सकता बिकॉज अंकल के साथ कभी भी निफ्यू का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हुआ था ये अलग बात है कि जो निफ्यू है वो अपने ही मन में सोच लिया था बट यहाँ पर दो बात है एक मन में सोच लिया कम्युनिकेट नहीं किया दोनों पॉइंट यहाँ पर टैली कर रहा है एक तो कम्युनिकेशन नहीं किया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो एक तो कम्युनिकेशन वाला बैरियर है दूसरा वो साइलेंट है तो मेयर साइलेंस इज नॉट सर ओके चाहे आप कुछ भी बोलो यहां पर हुआ, नहीं. तो, him, यह हुआ नहीं था. तो यहाँ पर अंकल केस नहीं कर सकता इफ कुड नॉट सक्सीड एज इज पर और भी एक एग्जांपल्स है आप एक बार अपने से देख लेना ठीक है जितना हो सकता था मैंने आपको एक एक करके बता दिया लास्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस का वैलिडिटी का acceptance by conduct or implied acceptance acceptance by conduct or implied acceptance when a tradesman receives an order from a customer and execute the order by sending the goods the customers order for goods constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods it is a case of acceptance by conduct when a cobbler sits with a brush and polish a persons giving his shoes for polishing constitutes acceptance by conduct matlab

मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे सलमान 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 खान का भी ऐसा एक था अच्छा हो सकता है सर बट ऐसा एक बच्चन का अमिताभ बच्चन सर का एक देखा था मैंने रोड साइड कॉबलर इन इंडिया मतलब यहाँ पर कहानी क्या है सर कि जो रोड साइड कॉबलर है इंडिया में इनके पास हम लोग जाते हैं काइंड ऑफ दैट इसके पास चलते हैं ठीक है थिके? हम लोग जाके ये बहुत कम ऐसे होते हैं कि हम लोग जाके बोलते हैं कि भैया मेरा जूता पॉलिश कर दो या फिर समथिंग लाइक दैट आपने जूता रखा उन्होंने अपना वाला जूता आपको पहनने के मतलब पैर रखने के लिए देता है और फिर वो अपना जो जु, उसका जूता लेके पॉलिश करना चालू कर देता है लेकिन आप मुंह में कुछ नहीं बोले तो ये जो उसका एक्टिविटी है जो भी उसका कंडक्टिंग है इसका मतलब उसका कंडक्ट ही उसका एक्सेप्टेंस है उसको मुंह में कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है कि क्या साहब क्या साह आपका जूता मैं पॉलिश करो और समथिंग लाइक दैट वो कुछ ना आपको पूछा और ना ही आपको उनको कुछ बोले बट वो जूता लेके पॉलिश किया और आप फिर पॉलिश करने के बाद मैं 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 कब पॉलिश करने बोला मैं तो मेरे को मैं, मुझे तो सिलाई करना था क्या आप ऐसे बोल सकते हो नहीं सर अगर आपको कुछ चेंजेस जब वो पॉलिश कर रहा था अगर आपने संगे संग उसको बोला नहीं नहीं पॉलिश नहीं करना है इसको तो सीलना है दैट्स अ डिफरेंट इशू बट ये उसका कॉन्टैक्ट है जूता लिया पॉलिश करना चालू कर दिया तो वो कॉन्टेक्ट उसका एक्सेप्टेंस है और उसको मान लिया जाएगा आपका ऑफर था समझ में आ रहा है ना सर हाँ ये इंडिया वाला काफी सारा कॉबलर आप देख रहे हो इंडिया में ऐसे बहुत कॉबलर होते हैं एंड दे आर वर्किंग इनक्रेडिबल वर्क सर ठीक है मतलब इन्हीं में से मतलब ऐसा ही एक कोई एक बड़ा सा खादिम से या बाटा बन गया बहुत ही रेस्पेक्टेड काम करते हैं सर हम लोग कितना भी छोटे एंगल से देखे मतलब रस्ते में जूता फट जाए ना तो समझ में आता है कॉबलर की क्या कीमत है तो आई होप एक्सेप्टेंस बाई कॉन्डक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ठीक है सेक्शन एट ऑफ दताया गया सर तो आई होप आपको समझ में आया कि एक्सेप्टेंस बाई कॉन्डक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है मतलब जो मुंह पे कुछ ना बोला है बट एक्सेंस में पता चलते है कि हाँ अब टैक्सी बुलाते हो टैक्सी में बैठते हो ऐसे तो वो इंप्लाइड ऑफर भी था टैक्सी वाले चिल्ला के नहीं बोलता कि हावड़ा जाना है कि कलकत्ता स्टेशन जाना है कि श्याला जाना है वो लोग चिल्लाते नहीं है बट आप टैक्सी ओपन करते हो बैठते हो और वो फिर आप उसको बोलते हो कि भैया इधर जाना है तो आप जैसे ही टैक्सी को ओपन किए बैठ गए वो आपको नहीं बोला था कि आइए मेरे गाड़ी में बैठी ऐसे कुछ नहीं बोला था आप बैठे वो आपका कॉन्टेक्ट था और फिर वो जो रस्ते में चल रहा था ना येलो टैक्सी हेलो सर येलो टैक्सी कोलकाता वाला येलो टैक्सी या फिर मुंबई वाला फियट कोलकाता में येलो टैक्सी चलता है और मुंबई में फियट चलता है देखो सर कभी मुंबई विजिट करोगे ना तो वहां पर भी टैक्सी चलता है बट वो टैक्सी एम्बेसडर नहीं है ये कलकत्ता वाला टैक्सी है ये आप लोग जानते हो और मुंबई वाला जो टैक्सी है ना वो फियटकार है जो पुराना फियटकार है ना वो वाला आई होप आप लोग मूवी वगैरह में जरूर देखे हो तो मूवी में जो देखे हो वही है इन लोग एक अपना कैरेक्टर थे मुंबई टैक्सी जो है ना मुंबई टैक्सी ये कुछ ऐसे देखने में होता है फियड वाला ये वाला ये है मुंबई यह हमची मुंबई वाला टैक्सी ये थोड़ा साइज में छोटा होता है ठीक है अपना टैक्सी में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है सब जरूर सब कोई देखे होंगे आप लोग तो इनका एक अपना कैरेक्टर था ये कांटेक्ट करता है मतलब ये रास्ते में चल रहा है आप इनको कभी भी खड़ा कर सकते हो बिकॉज ये अपने जूस में आपको ले जाने के लिए रेडी है ठीक है ये चिल्लाएगा नहीं यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये सिर्फ अपना कॉन्टैक्ट करके ही बता देता है कि आई एम रेडी टू गो ओके सर तो ये था एक्सेप्टेंस बाय कॉन्टेक्ट और एम्प्लाइड कॉन्टेक्ट ओके तो एक्सेप्टेंस का कितना सारा कहानी और केस आपने देखा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देखेंगे वहां पर भी मज़ेदार कहानी होंगे तो आई होप आपको आज का कहानी बड़ा पसंद आया हो और आप लोग घर में जरूर अच्छे से रिवाइज करोगे और लिख के करोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के साथ तब तक जो भी जितना सारा हुआ है प्लीज उसको थ्रू कीजिए उसको कंप्लीट कीजिए फिर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आप लोगों को और प्रोवाइड करूंगा ऐसे तो मैंने जो मैट जिनके साथ भी शेयर किया उसके नीचे देखना क्वेश्चंस दिया हुआ है कुछ उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप और भी मैं एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा जिसका जैसे एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से ठीक है तो उसके लिए चिंता ना करना तो फिलहाल मेरा आज का क्लास तो मेरा इतना ही है कोई सवाल है तो कर सकते हो रिगार्डिंग टू डेज क्लास बोलो सर एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी सर नेक्स्ट क्लास मैम का है कोई सवाल नहीं है ओके सर तो फिर टाटा सबको बाय सर सर हाँ बोलो नेक्स्ट क्लास मैम का क्लास मैम का है क्या सेवन पी एम हाँ हाँ मैम का क्लास है ठीक है अभी थोड़ा क्योंकि रूटीन उतना प्रॉपर्ली बना नहीं है ना तो हाँ मैसेज है है हाँ, कर दिया था वो सैटरडे वाला क्लास में भी ना ऐसा ही एक प्रॉब्लम हुआ था सैटरडे एक्चुअली फ्राइडे क्लास नहीं हुआ था इसलिए मैं एक्स्ट्रा सैटरडे दिया था वो वाला क्लास तेरा मिस हुआ है मैं तुझे शेयर कर दूंगा हाँ देख लेना एक बार okay.